एक मिनट एक मिनट गाइस कुछ लोचा हो गया यस सुपर ओके गुड गुड टू हैव यू गाइस गुड टू हैव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल जी आई आई नो वेलकम 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 एक मिनट मेरे को चार्ट नहीं दिखाई दे रही अब दिखाई दे रही हैं तो गाइज वेलकम यू ऑल थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच होता रहता है यहाँ पे तो वो था बट आई थिंक इट इज फाइन ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड टू हैव यू गुड टू हैव यू येस नंबर थ्योरी क्या है नंबर थ्योरी एक बहुत प्यारी सी चीज़ है जो कि तुम्हारी टेक्सट बुक्स में नहीं दी होती या बहुत यू uh, नो you know, uh, घटिया तरीके से दी होती है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे ये yes, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मैं तुम्हें स्टैटिस्टिकली दिखा चुका हूँ कि के वी पी वाई एस ए के अंदर और एस एक्स के अंदर भी नंबर थ्योरी का बहुत बड़ा योगदान है नंबर थ्योरी कम्स एंड सच लार्ज नंबर्स गाइज तो नंबर थ्योरी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आज तो आज सिंस तो पहला लेक्चर है नंबर थ्योरी का तुम्हें डराऊंगा नहीं हल्का थोड़ा सा डराऊंगा लास्ट में जाके <laughs> But, uh, आज के जो तो क्वेश्चन ना नंबर थ्योरी के वो सारे के सारे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं सो आज तो नंबर थ्योरी को बेसिकली हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया नंबर थ्योरी को मैंने मेरी टीम ने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है so, सो आज इज नंबर थ्योरी वन सो so, नंबर थ्योरी वन मीनस क्वेश्चन क्वेश्चन जो कि कॉमन सेंस बेसिस पे हैं जो कि तुम बिना किसी टेक्निक के बिना किसी फॉर्मूले के ना थोड़े बहुत थोड़े बहुत बेसिक फॉर्मूले लगा के निकाल सकते हो ठीक है सो दीज आर द दैट वी आर गोइंग टू डू टूडे जो कि केवीपीवाई एस ए के अंदर आए भी हुए हैं सो नंबर थ्योरी विच आर ऑन कॉमन सेंस नंबर थ्योरी टू करेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर एक्जाम्पल एच सी एफ एल सी एफ इनकी प्रॉपर्टीज़ अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इनकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं एच सी एफ एल सी एम की हमें तो एक ही प्रॉपर्टी पता है कि एल सी एम इन टू एच सिजिकल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स नहीं इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एच सी एफ एल सी एम की या फिर बाकी बाकी और चीज़ों की कॉन्ग्रेंस ऑफ नंबर्स होते हैं तो ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एंड देन नंबर थ्योरी थ्री जिसके अंदर थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे तो इस तरीके से है तो आज हमने ये करना है ठीक है सो बेसिकली कॉमन सेंस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं ऐसी चीजें जो तुमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं सातवीं आठवीं में या सिक्स क्लास में डिविजिबिलिटी uh, रूल्स कि क्या नंबर कब फोर से डिविजिबल है नाइन से डिविजिबल है सिक्स से डिविजिबल है टेन uh, से डिविजिबल है इलेवन से डिविजिबल है सेवन सेवन वाला नहीं आता बच्चों को वो भी मैं आज बताऊंगा कि सेवन से डिविजिबल कब होता है कैसे चेक करते हैं सो डिविजिबिलिटी रूल्स एंड नंबर ऑफ डिवाइज नंबर ऑफ डिवाइस ऑल्सो वेरी कॉमन गाइज परमोटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर डिवाइज का एक बहुत ही uh, uh, बढ़िया सा फॉर्मला है हालांकि हम इसके और डिटेल के अंदर नहीं जाने वाले बहुत ही बेसिक बेसिक लेवल पे डिवाइजर्स को हम फाइंड uh, करने की कोशिश करेंगे उसका फॉर्मुला भी मैं आज uh, क्लास के अंदर बताऊंगा एंड देन विल डू सम सम्चन्स बेस्ड ऑन दिस यस चलो ये गुड टू हैव यू गाइज टू हैव फटाफट से अगर तुम एक्साइटेड हो अगर तुम एक्साइट अंश बचे थ्योरी एंड क्वेश्चन दोनों होंगे थोड़ थ्योरी तो विल स्टार्ट विथ सम थ्योरी उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी के वीवी वाई के अंदर आ चुके हैं वो करने वाले सो थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों होंगे थ्योरी में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा बिकॉज ये चीज ऑलरेडी तुम्हें पता है तो फटाफट से लाइक like कर दो लाइक like करना बहुत जरूरी है वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक दिस सेशन एवरी वन प्लीज डू लाइक दिस सेशन बिकॉज माई टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड टू टू ब्रिंग यू सच एक्सक्लूसिविटिक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन तरह के क्वेश्चन कहीं और नहीं मिलेंगे तुम्हें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड बेस्ड ऑन सम थ्योरी एज वेल तो फटाफट से लाइक like करना बहुत जरूरी है सब बच्चों के लिए येस yes? चलो 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 सो so, ये तो तुम्हें तो पता ही है यार, तो फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूं अबे महाजन आइव इंजीनियरिंग फ्रॉम आई टी की बीन टीचिंग फॉर द लास्ट ट्वेल्व नाउप इन आई टी जाए स्टूडेंट हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स राइट गाइ सो हम थ्योरी कर लेते हैं सो so, गैस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यूक्लिड डिविजन लेमा जो तुम क्लास टेंथ के अंदर पढ़ते हो इसी का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन आज हम करने वाले ठीक है।, है तो आज बहुत ही बेसिक करने वाले हैं ईडी so सो so कोई भी नंबर को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड आर वेरी फ्रॉम जीरो बहुत ही सिंपल सी चीज है थर्टी so सेवन मतलब को सेवन की फॉर्म में लिखना रिमाइंडर डिवाइजर क्वेश्चन ठीक है सो थर्टी सिक्स इज सिक्स इंटू सिक्स प्लस टू इफ एज टू बीज थ्री देन टू इज जीरो प्लस टू सो बहुत ही सिंपल सी चीज है बट इंपॉर्टेंट चीज रिमाइंडर जो है ना बी से हमेशा कम होना चाहिए दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट रिमाइंडर बी से हमेशा कम होना चाहिए दिस इज द ओनली पार्ट गॉट इट चलो चलो सो so, ये चीज बहुत ही ऑब्वियस है क्वेश्चन इज अ पॉजिटिव ए का वैल्यू बी से छोटा है ए का वैल्यू अगर बी से छोटा है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन जीरो होगा फॉर एग्जाम्पल सेवन इज इक्वल टू फाइव इंटू जीरो सॉरी फाइव क्या बोल फाइव इज इक्वल टू सेवन इंटू जीरो प्लस फाइव सो अगर यहां पर ये A है ये बी है तो ए बी से छोटा है तो क्वेश्चन हैज टू बी बहुत ऑब्वियस बात है एंड रिमाइंडर से B के बीच में होगा विध बहुत ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है डिविजिबिलिटी uh, रूल्स कुछ कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही कॉमन है डिविजिबिलिटी बाय टू अगर पीछे नंबर एंड्स एंड विदो टू फोर सिक्स एट नंबर इज डिविजिबल बाय टू बहुत ही सिंपल सी बात है िटी बाय थ्री सब लोगों को पता है पूरे हिंदुस्तान को पता डिविट्री क्या होता है समेस इज डिजिबल बाय थ्री द नंबर इज डिविजल बाई थ्री फॉर एक्साम्पल फोर थर्टी टू फोर प्लस टू नाइन नाइन डिविजल बाई नंबर थ्री से डिविजल होगा सॉरी डिविबल बाय थ्री द नंबर विल बी डिजिबल बाई थ्री डिविजिबिलिटी बाई फोर डिविजिबिलिटी बाई फोर सो डिविजिबिलिटी बाई फोर डिविजिबिलिटी बाय फोर सो इफ द लास्ट टू डिजिट्स आखिरी के दो डिजिट्स अगर फोर से डिविजिबल है पूरा का पूरा नंबर फोर से डिविजिबल हो जाता है फॉर एग्जाम्पल कुछ भी डाल दो टू थ्री वन जीरो सेवन नाइन फाइव एट टू वन बट लास्ट में लास्ट में ट्वेंटी फोर डाल दो तो ये पूरा का पूरा नंबर विल बी डिविजिबल बाय फोर इफ द लास्ट टू डेज इज आर डिविजल बॉल नंबर इज डिबल बस्ट रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्ट और कब पढ़ते हो ये आई डोंट रिमेंबर आई डोट रिमेंबर क्लास सेवंथ क्लास सिक्स और क्लास सेवेंथ फटाफट से फटाफट फड़ सेवीपी वह बच्चा सेंटर पर जाके देना होता है घर पर नहीं दे सकते क्लास सिक्स क्लास सिक्स क्लास सेवन येस वी ऑल रिमेंबर दिस सुपर डिविजिबिलिटी बाय फाइव और सिक्स पता है पीछे अगर जीरो और फाइव है फाइव से डिविजिबल सिक्स एक थोड़ा सा ट्रिकी है इट्स के लिए वी नीड अ नंबर टू बी बोथ डिविजिबल बाय टू एंड थ्री सो नंबर अगर टू से भी डिविजिबल है थ्री से भी डिविजिबल है डिजिट्स सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल डिविजिबल बाय थ्री एंड सेकेंडली नंबर शुड एंड विद जीरो टू फोर सिक्स एट तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है बेसिकली ऊपर वाली कंडीशन थ्री का डिविजिबिलिटी रूल है और नीचे वाला कंडीशन टू का डिविजिबिलिटी रूल सो अगर नंबर टू और थ्री दोनों से डिविजिबल है तो नंबर सिक्स से डिविजिबल होता है अगला चीज सेवन वाला वो शायद कम बच्चों को पता है सेवन uh, का डिविजिबिलिटी रूल अब देखो ध्यान से ये पता नहीं होता दिस इज समथिंग विच

Now, guys, हम क्या करते है? A -2B हैं ए माइनस टू बी देखते हैं ए माइनस टू बी सो वी कैलकुलेट ए माइनस टू बी सो इस केस में ए माइनस टू क्या हो ट्वेंटी थ्री माइनस एट सो ट्वेंटी थ्री माइनस एट ट्वेंटी थ्री में से आठ गया कितना बचा उन्नीस पंद्रह हमें यह चेक करना कि या ये छोटा नंबर जो है क्या यह सेवन से डिविजिबल है या नहीं सो so, अगर ये सेवन से डिविजिबल है तो ओवरऑल नंबर भी सेवन से डिविजिबल अगर नहीं है तो नंबर इज नॉट डिविजिबल क्लियरली दिस इज

ए माइनस टू बी यहां से कितना थर्टी सिक्स माइनस फोर विच इज थर्टी टू सो क्लियर दिस पक्का सेवन से डिविजिबल से नहीं है सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय सेवन डेड यू ऑल गेट दिस डेड यू ऑल गेट दिस तो डिविजिबिलिटी बाय सेवन सबको पता लग गया ये चार्ट बॉक्स इज दिस क्लियर या दोबारा इज दिस क्लियर और रिपीट क्लियर और रिपीट क्लियर मतलब सी और रिपीट मतलब आर सी और सी ऑर आर फटाफट से ऑन द बॉक्स ऑन द चैट बॉक्स गाइज तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होती क्लियर और रिपीट सी और सी और आर सी और और आर आर सी सी लॉट ऑफ पीपल सुपर अमेजिंग अमेजिंग बहुत बढ़िया गॉड ब्लेस यू सो गाइज जस्ट रिमेंबर ए माइनस टू बी अगर ए माइनस टू बी डिविजिबल है सेवन से क्योंकि ए माइनस टू बी से क्या होता है नंबर छोटा हो जाता है नंबर छोटा हो जाता है सो इफ ए माइनस टू इज डिविजिबल बाय आर नंबर इज सॉरी डिविजिबल बाय सेवन द नंबर विल भी डिविजल बाय सेवन इफ ए माइनस टू बी दोबारा बड़ा नंबर है थ्री सिक्सटी टू अभी भी मजा नहीं आया क्योंकि थ्री सिक्सटी टू को दोबारा चेक करना पड़ेगा तो उसको दोबारा छोटा कर दो ए को थर्टी सिक्स बी को टू दोबारा ए माइनस टू भी देख लो तो क्लियरली दिस इज नॉट डिविजल बाय सेवन दैट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाई सेवन दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय सेवन सो क्लियर गॉट एट अमेजिंग 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 डिविजिबिलिटी थ्री डिजिट्स लास्ट के थ्री डिजिट्स अगर एट से डिविजल है तो नंबर इज ऑल्सो डिजिबल बाईटिबिलिटी सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई नाइन अगर सम ऑफ द डिजिट नाइन से डिविजल है तो नंबर इज ऑल्सो डिजिबल बाई नाइन आई हिप दिस इज क्लियर ये सर एनालिसिस चैप्टर आर इनफॉर के वी पी वाई एस एनालिस चैप्टर या बच्चे एनालिसिस चैप्टर सारे के सारे चैप्टर्स हो गए हैं ठीक है सो से चैप्टर्स आई मीन मैंने साथ कुछ एनालाइज कर लिया है बाकी के जो चैप्टर्स रह गए हैं फॉर एग्जाम्पल टिक्नोमेट्री शायद उस दिन मैंशन नहीं था टिक्नोमेट्री के एक या दो क्वेश्चन आए हुए हैं या पांच क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे पिछ, पिछले पांच सालों में सो so, किन अगर मैं इसे के लिए टिक्नोमेट्री नहीं भी करता हूं परफेक्टली फाइन ठीक है सो जो मैंने उस दिन चैप्टर्स दिखा दिए थे वो अगर कर लो उस पर फोकस कर लो आई थिंक एंड उस पर महारत हासिल कर लो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ यस चलो गाइस आई होप दिस इज क्लियर टेन तो पता है सबको पूरे हिंदुस्तान को डिविजिबिलिटी बाई इलेवन पता ही होता है ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करना है दूसरे ऑल्टरनेट्स को ऐड करना है उनका डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय बायन फॉर एग्जांपल नाइन वन सेवन फोर अगर हम चेक कर रहे हैं नाइन वन सेवन फोर चेक करें तो फर्स्ट और थर्ड का सम नाइन प्लस सेवन माइनस वन प्लस फोर सो नाइन प्लस सेवन इज सिक्सटीन माइनस फाइव इज इलेवन तो इलेवन क्लियरली इलेवन से डिविजिबल है इलेवन क्लियरली इलेवन से डिविजिबल है सो दिस टू प्लस जीरो प्लस सिक्स एट फाइव प्लस थ्री इज ऑल्सो एट एट माइनस एट इज इज डिविजल सो दिस इज ऑल्सो डिजिबल बायन सिंपल वन थ्री फोर टू चेक करते हैं या वन थ्री फोर टू सेवन वन प्लस फोर फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व हो गया दिस इज फाइव ट्वेल्व माइनस फाइव इज सेवन सेवन इज नॉट डिजिबल इलेवन सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाई इलेवन ये नंबर इलेवन से डिविजिबल नहीं हुआ पता है सब लोगों को या ये तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है बहुत ही सिंपल सी चीज है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन गिव मे थम्स अपर यहां तक कुछ समझ में आ गया है यहां तक सब कुछ समझ में आ गया थम्स अप कर दो फटाफट से सर हेल्प मी ऐसा क्या चाहिए भैया तुम्हें यस बचे टेल मी गौरव बचे डू टेल मी वॉट हेल्प डू यू नीड वट एवर हेल्प इफ यू नीड अ पी डी एफ आई हैव ऑलरेडी शेयर माई पर्सनल टेलीग्राम आई डी आराम से तुम मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते यस वॉट अबाउट वन टू वन वन टू वन चेक करो वन टू वन वन प्लस टू इज जीरो एंड जीरो इज डिजिबल बाई इलेवन तो इलेवन के जो भी मल्टीपल्स हैं जीरो इलेवन ट्वेंटी टू या नेगेटिव इलेवन अगर इनमें से कुछ भी आता है इलेवन के मल्टीपल्स ओवरऑल वैल्यू आती है तो अगेन द नंबर विल बी डिविजल बायन गॉड it? एवरी वन यस सब चैप्टर में या सब चैप्टर में लाइट थ्योरी कवर होगी बिल्कुल कवर होगी एंड अगेन थ्योरी देखो थ्योरी में एक्सटेंसिव थ्योरी नहीं करवाऊंगा थ्योरी में वही करवाऊंगा जो मुझे पता है कि जितनी प्रॉब्लम आ सकती है हालांकि इसमें तो चलो बहुत ही सिंपल था दिस पोर्शन जो मैं अभी करने वाला हूँ ये बहुत कम बच्चों को आता है या फिर अगर तुमने इलेवंथ में फॉर्मोटेशन किया हुआ है तो पता होगा नहीं तो नहीं पता होगा तो ये मैं अलग से बता रहा हूँ अगेन थ्योरी का मतलब आई विल बी डूइंग दोज पोर्शन जो मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए एंड जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है अगर भी हुआ तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो वो वाला पोर्सन थ्योरी कवर करूंगा ना गई yeah, yeah, देखो नंबर ऑफ डिवाइज नंबर ऑफ डिवाइज अगर नंबर पी टू दी पार ए क्यू टू दी पार बी आर टू दी पार सी एस टू दी पार डी है वे पी क्यू आर एस आर प्राइम नंबर दीज आर प्राइम नंबर प्राइम नंबर नंबर ऑफ डिवाइजेस ऑफ एन विल बी ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन इंटू डी प्लस वन वेरी इंपॉर्टेंट है इस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज जई के लिए जई एडवांस के लिए केवीपी वाई के लिए बोथ एस एंड एस एक्स प्रिय आरम्भ के लिए तो है एन एस एच एस ऑल्सो एनडीए

एन so जो भी नंबर होगा काफी बड़ा नंबर होगा बिकॉज सेवन टू दी पार एट आ गया तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन विल बी सी प्लस वन मतलब फोर इंटू फोर प्लस वन इंट फाइव इंटू एट प्लस वन विच इज नाइन तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे मतलब ट्वेंटी इंटू नाइन वन एटी एक सौ अस्सी फैक्टर्स होंगे अगर मैं निकालना चाहता हूं नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ से वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी के टोटल फैक्टर्स निकालना चाहता हूँ

ये छे फैक्टर्स होंगे लेकिन छह फैक्टर्स छह फैक्टर्स बहुत ही सिंपल है तो छह फैक्टर्स कौन कौन से होंगे वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व सो दीज आर द फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ ऑफ दिक्कस एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फैक्टर्स के अंदर अगर मैं फैक्टर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा सो in so पहला और आखिरी का जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज अ नंबर हमेशा नंबर होगा सेकेंड और सेकेंड लास्ट का प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी अ नंबर थर्ड एंड थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट विल ऑल्सोलवेज बी ए नंबर फर्स्ट और थर्ड विल ऑलवेज बी एन द नंबर जो भी है सेकंड और सेकंड लास्ट विल ऑलवेज बी एंड थर्ड एंड थर्ड लास्ट विल कभी, -कभी perfect square हो जाता है फॉर एग्जाम्पल थर्टी सिक्स में बीच में सिक्स आएगा तो बीच मेंंबर रह जाएगा तो so, उसका स्क्वायर विल बी दैट नंबर गॉट इट एवरी वन डेल गेट दिस डेट यू ऑल गेट दिस नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व एंड इस तरह से लिखा हुआ है इसको मैंने इसलिए बता रहा हूं बिकॉज तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि ट्वेल्व अगर 12 को अगर मैं a इंटू बी की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं तो कितने वेज में लिख सकता हूं हाउ मेनी वेज हाउ मेनी वेज वे एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स इफ 12 हैज टू बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a इंटू बी तो बेसिकली a और b के कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव सर्कल्स के अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर वेरी कॉमन क्वेश्चन 12 अगर a इंटू बी की फॉर्म में लिख रहा हूं

टू हो सकता है ए थ्री हो सकता है फोर हो सकता है सिक्स ट्वेल्व अगर ए वन है तो बी अपने आप अप ट्वेल्व होगा सिक्स होगा फोर होगा थ्री होगा टू होगा वन होगा सो so, इन छह तरीकों से लिख सकते हैं सो so, बेसिकली अगर मुझे ट्वेल्व को इन दोनों के प्रोडक्ट में लिखना है ए एंड बी आर पॉजिटिव एंटीज सो ए कैन टेक या बी कैन टेक एग्जैक्टली द नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व सो ट्वेल्व के छह फैक्टर्स हैं तो ए के भी एग्जैक्टली छः फैक्टर्स होंगे या छह पेयर्स होंगे गॉड एट एवरी वनडी ऑल गेट दिसवा हलवा हलवा ये एक्जैक्टली ठीक है तो बस इस हलवा को ही हो सकता है कि हलवे के अंदर कोई और चीजें डल जाए ठीक है मिर्च मसाले डल जाए तो हमें क्या करना है हलवे को फिर भी मिर्च मसाले के साथ बनाकर खा जाना है दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टीच यू गॉड एट एवरी वन रेड्यू ऑल गेट दिस अच्छा सो बिफोर वी स्टार्ट विदेश क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं Uh, कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के आर गोइंग टू बी वेरी ऑलमोस्ट ऑल दी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी लॉजिकल आज के जो सवाल करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही लॉजिकल हैं बहुत ही बढ़िया हैं उम्दा हैं एंड तुम्हें सच में मजा आ जाएगा अगर तुम नंबर्स के साथ खेलना पसंद है इफ यू वॉन्ट इफ यू इफ यू आर गुड विद प्लेइंग विद नंबर्स नंबर्स को से डील करना प्लस माइनस करना नंबर्स को मेनिपुलेट करने में अगर तुम तुम्हें महारत हासिल है आज के क्वेश्चंस करके बहुत मजा आएगा एंड दे विल बी वेरी लॉजिकल क्वेश्चंस कुछ गलतियां हो सकती हैं जो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से गलतियां नहीं करनी बट बिफोर दैट बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूछ रहे थे पी वाई क्रैश कोर्स दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑगस्ट ऑफ सेकेंड तो अगले पांच दिनों में ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है दिस इज अ डेडिकेटेड कोर्स फॉर के वीपीवाई प्रिपरेशन सारे के सारे अगर हम ऐसे की बात करें तो ऐसे के अंदर बायो भी आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो फॉर एस एग्जामिनेशन पूरा का पूरा कवर होगा सो वॉट एवर इज मैंने उस एनालिसिस लिखवाया था उसी के अकॉर्डिंगली विल बी कवरिंग द एंड इट इज अ कॉम्प्रीहसिव कोर्स एवरी क्लास विल बी फॉलोड बाय असाइनमेंट सो मैथ्स की टोटल बीस क्लासेस होंगी तो हर क्लास के बाद असाइनमेंट मिलेगा फिजिक्स की बीस क्लास हर क्लास के बाद असाइनमेंट मिलेगा केमिस्ट्री की बीस क्लास हर क्लास के बाद असाइनमेंट मिलेगा बायो की बीस क्लास होंगी एस के अंदर एंड उसके अंदरफिकेशन ऑफ बॉटनीस फिफ्टीन हर क्लास के बाद असाइनमेंट मिलेगा. उनको समझ में नहीं आता और खुद से करने का मोटिवेशन नहीं रहता सो गाइज ये चीज एक डेडिकेटेड कोर्स है तुम सब लोगों के लिए एंड इफ यू वॉन्ट टू दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर वी प्रो स्टूडेंट्स सो वी प्रो

सर्टन फीस द फीस इज फोर थाउजेंड रुपीज चार हजार रुपये में पूरा का पूरा डेडिकेटेड कोर्स जिसके अंदर टेस्ट भी हो रहे हैं हर हफ्ते टेस्ट होगा जो पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट एवर यू हैव लर्न इन दैट पर्टिकुलर वीक एंड ऑल्सो खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें खत्म होने के बाद सिलेबस uh, खत्म होने के बाद देर विल भी फुल लेंथ टेस्ट एज इट इज पूरे 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 uh, पूरा सिलेबस के ऊपर जिस पैटर्न पे वाई होता है और जिस डिफिकल्टी लेवल पे पर होता है उसके ऊपर पांच फुल लेंथ टेस्ट होंगे बैक टू बैक सो दैट यू कैन इंप्रूव यू कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंसिस इन टेस्ट ठीक है सो गाइज इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक दिस इसका लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई वीडियो विच इज रनिंग अगर मैं हल्का सा तुम्हें दिखा दूं अरे 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 यस ठीक है सो दिस इज माई इज रनिंग गाइस तो मैं एक बार दो मिनट का टाइम लूंगा उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं सो दिस इज द लिंक सो अगर तुम क्लास इलेवन में हो जो कि मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे क्लास इलेवंथ में बट अगर तुम क्लास ट्वेल्थ में हो तो नीचे वाला लिंक है सो क्लास वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहां पर कुछ 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 लॉग इन डिटेल्स पूछेगा सो बाय नाउ यहाँ पे छह हजार आ रहा है तुमने बोला सर आपने तो चार हजार बोला था घबराना नहीं है जैसे ही यहां पर बाय करोगे लॉग इन डिटेल्स भरोगे अपने आप जादू चलेगा और एक डिस्काउंट मिल जाएगा दो हजार का एंड यूल गेट दिस कोर्स फॉर फोर थाउजेंड रुपीज जैसा कि जैसा कि अरे बेस्ती मत कराओ भाई बेस्ती अरे हो गया हो गया हो गया ठीक है तो अपने आपके ओपन काउड लग चुका है एंड फोर थाउंड रुपीज का एक कोर्स है एंड दीज आर यहां पे प्रोसीड टू पे करोगे आर वेरियस पेमेंट ऑप्शन एंड सिमिलरली द सेम थिंग गोज फॉर क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स ऑल्सो नीचे वाला लिंक क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए सो गाइज डो नॉट मिस दिस ऑपर्चुनिटी अगर तुम के वीपीवाई की डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हो विद्सपर्स प्रोड्यूस सम वंडरफुल रैक्स इन केवीपीवाई ओवर द ईयर्स दिस इज द कोर्स जहाँ पर वो एक्सपर्ट्स पढ़ाने वाले हैं चारों के चारों सब्जेक्ट्स के एंड ये एस ए वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बायो इज समथिंग जो कि जो कि है और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी डेडिकेटेड तैयारी है एस एक्स वालों के लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेडिकेटेड कोर्स बिकॉज एस एक्स इज जनरली टफर देन एस ए एस एक्स के अंदर जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल होता है वो भी थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है एज कम्पेयर टू वॉट वी गैट इन एस एज दिस इज द कोर्स एंड ये तुम ले सकते हो ठीक है चलो लास्ट सेशन का पीडीएफ आया नहीं क्या तुम्हें लास्ट सेशन का पीडीएफ जो एनालिसिस वाला पीडीएफ था वो तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी भेज दिया था आई एल जस्ट चेक विद द टीम आई एल जस्ट चेक मैं चेक करूंगा बच्चे टीम से आई थिंक इट शुड बी देयर नहीं होगा तो आई थिंक संडे को छुट्टी पे थे या सैटरडे को छुट्टी पे होंगे लेट नाइट तो डाला नहीं होगा आज डल जाएगा अदरवाइज आई ऑल्सो वेरीफाई डोंट वरी

हो सकता है कि कुछ कुछ आइडेंटिटीज uh, मैं तुम्हें याद करवाऊं बट वेरी लॉजिकल क्वेश्चन एंड अगर तुम क्वेश्चन नंबर मैनिपुलेशन के अंदर अच्छे हो तो यार ये क्वेश्चन को करने में सच में मजा आ जाएगा ठीक है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जैसा कि हर सेशन में होता है डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा तो दिस इज द लीस्ट डिफिकल्टी लेवल एंड एज वी मूव ऑन द डिफिकल्टी लेवल विल इंप्रूव एंड इंक्रीज तो फटाफट फड़ से गाइज नमस्ते मयंक नमस्ते 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 एवरी वन चलो गाइज लग जाओ फटाफट फड़ से लग जाओ कुछ नहीं यू हैव ओनली मिस सम थ्योरी बट अगेन अगर तुम अभी ज्वाइन किए हो तब भी ये क्वेश्चन कर लेना थ्योरी बाद में पढ़ लेना फटाफट से द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजे ऑफ फाइव वन टू क्यूब माइनस टू फिफ्टी थ्री क्यूब माइनस टू फिफ्टी नाइन क्यूब तो पहले तो मैं किन किन लोगों को डर लगा ये देख कर किन किन लोगों को डर लगा एक क्वेश्चन देख के हाउ मेनी ऑफ यू आर एम ओ सेंट्रोड का असाइनमेंट नहीं मिला ओके आर एन आई विल आल्सो टॉक ठीक है मैं लिख लेता हूं को भूल जाती चीजें सो आर एमओ असाइनमेंट सेंट्रॉइड का एंड लास्ट सेशन केवीपी का एनालिसिस ठीक है समझ नहीं आ रहा कैसे शुरू करें तो बच्चे आ, बाद में बताता हूं पहले ये कर लेते हैं कैसे शुरू करें तो बस ये शुरू तो यार शुरुआत तो शुरु तो शुरु कर ही रहे हैं इसके अंदर क्या करना है? तो मैं बस अगर अगर के वी पी क्रैश कोर्स डेडिकेटेड तरीके से चाहिए आ, कर ले सकते हो तो ले लो तो वहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा बिकॉज शुरू से लेके एंड तक सब कुछ एक एक चीज़ होगी नहीं हुआ तो यहाँ पर मैं मैथ्स तो करवा ही रहा हूँ कम से कम सो मैथेमेटिक्स स्टार्टिंग से अटेंड करने की कोशिश करो आई थिंक ये थर्ड लेक्चर है मैथेमेटिक्स का टॉपिक वाइज तो पहले दो तो लेक्चर मिस आउट अगर हो गए हैं तो उसको उसको उनको करो के के एंड अपने आप अप समझ में आ जाएंगे अपने आप फ्लो बनेगा तो so, जब तक ये बोलोगे कि सर समझ नहीं आ रहा वो मोमेंटम कुछ नहीं होगा या कुछ नहीं होगा तो आई थिंक कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में ठीक है तो स्टार्ट कहीं से कहीं से स्टार्ट करो अपने आप चीजें फ्लो में आएंगी अपने आप चीजें फ्लो में आएंगी गॉट इट? चलो गाइज चलो 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 सो so गाइज यहां पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इफ देर इज इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दैट यू कैन सी फाइव वन टू माइनस टू फिफ्टी थ्री माइनस टू फिफ्टी नाइन ये वाले जीरो है कैन यू ऑब्जर्व दिस इन दोनों का तो सम है ना लास्ट के दो नंबर्स का सम फाइव वन टू आर है आखिरी के दो नंबर्स का सम पांच सौ बारह है और हमें एक चीज पता है बचपन में पढ़ी होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू थ्री ए बी सी होता है इफ इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अगर तीन नंबर्स का सम जीरो है शून्य है तो किसी को याद है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्री ए बी सी होता है अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ना यहाँ पर तो है, अरे गधों, 512 का क्यूब प्लस माइनस टू फिफ्टी थ्री का क्यूब प्लस माइनस टू फिफ्टी नाइन का क्यूब हो गया ए प्लस बी प्लस है सो कैन से दिस इज इक्वल टू थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू सी

फाइव सेवन 11, थर्टीन तो सोलह से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं एक बार चेक करके देख लो डिविजिबल है तो नहीं एक फाइव तो किसी से नहीं है थ्री 5, तीन आठ तीन दस और ये हो गया ग्यारह सोलह तो थ्री भी नहीं है फाइव भी नहीं है टू तो वैसे ही नहीं है सेवन चेक कर लेते हैं सेवन थ्री ट्वेंटी वन फोर्टी थ्री नहीं है सेवन थ्री ट्वेंटी वन फोर्टी ये है तो इसको सेवन इंटू सेवन थ्री ट्वेंटी वन फोर्टी नाइन कर लिया एंड टू फिफ्टी थ्री देखते हैं प्राइम है या नहीं है 253 प्राइम और नॉट तो 7 चेक कर लिया मैंने 11 चेक करते हैं 11 बिल्कुल दिखाई दे रहा 2 प्लस 3 5 और ये 5 तो 11 इनटू 11 तू 22 33 तो 23 तो so ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स बन गए सो so 2 तू डी पार 9 3 तू डी पार 1 7 तू डी पार 1 11 तू डी पार 1 23 तू डी पार 1 37 तू डी पार 1 सो so द So, अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें नहीं पता तो अगर मुझे कोई भी है कि 3, 70, uh, 9. चेक करना कि किससे डिविजिबल है या इसका इसका कोई प्राइम फैक्टर है या नहीं दिस इज द नंबर तो मैं कहकर चेक करता हूं कैसे चेक करूंगा 379 के आसपास जो भी परफेक्ट स्क्वायर है सोचो परफेक्ट स्क्वायर थ्री सेवेंटी नाइन के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है स्क्टीन का स्क्वायर स्क्वेटीन का स्क्वायर इस थ्री सिक्सटीन एंड ट्वेंटी का स्क्वायर इससे जस्ट बड़ा हो गया चार सौ तो नाइनटीन एंड इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर uh, फिर इलेवन फिर सेवन फिर फाइव uh, फिर थ्री फिर टू ये सारे के सारे नंबर्स चेक करके देख लूंगा अगर ये नंबर इनमें से किसी से डिविजिबल नहीं है ना तो ये प्राइम नंबर है बहुत सिंपल सी बात है अगर अगर ये, अगर ये इनमें से किसी से डिविजिबल नहीं है तो बहुत obvious ही बात है ना ये प्राइम नंबर ही होगा बिकॉज अगर एक, divi, अगर एक किसी से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली इस कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ ए बी की फॉर्म में ले सकते हैं तो ए एक नंबर 19 से छोटा होगा एक नंबर 19 से बड़ा होने वाला डू यू 20 बिकॉज 20 स्क्वायर 400 आ गया सो so, एक नंबर इनमें से उन्नीस से कम जरूर होगा अब उन्नीस से कम यही प्राइम फैक्टर्स है उन्नीस से कम यही प्राइम फैक्टर्स है तो वन ऑफ द फैक्टर्स हैज टू बी डिविजिबल मैन तो अगर इन ये नंबर इनमें से किसी से डिविजिबल नहीं है सो दिस विल बी प्राइम नंबर अदरवाइज इनमें से किसी ना किसी से डिविजिबल हो गया होगा होप दिस इज क्लियर यस ठीक है तो मैंने यहां पर ये चेक करने के लिए प्राइम है या नहीं तो कैसे क्या किया ये नंबर 256 256 के आसपास है मतलब 16 तो 16 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स है ना उनसे डिवाइड करके कर कर देख लो

प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे टोटल सिक्स प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे टोटल डिड यू ऑल गेट दिस यूट्यूब से जय ही क्रैक कर सकते हैं नहीं बच्चे देखो ना बहुत सिंपल सी बात है ये क्लियर है ये क्लियर है तो सिक्स इज द राइट आंसर मैं अगला क्वेश्चन दिखा के इस, इसका आंसर देता हूं ओके okay. अच्छे अरे 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 ये क्या हो गया भाई ये क्या हो गया हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर एम एन एन ऑफ इंटीजर सेटिसफाई ये क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं एम अपॉन ट्वेल्थ इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन एन दिस इज द्वेश्चन हाउ मेनी ऑर्डरफाई दिस हाउ मेनी ऑर्डर पेयर्स सैटिस्फाई दिस ठीक है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस करवाओ ना प्लीज कशिश बच्चे मैं कहां से करवाऊं बच्चे दिस इज द मैथमेटिक्स चैनल आई कैन डू ओनली वॉट इज रिक्वायर्ड ऑफ मैथमेटिक्स और मैं हम हम मैं ही एंड हर सर आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट टू गिव यू ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी जो कि मैथ्स के अंदर यूज होगी सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं सो सो दिस इज ऑल वॉट वी कैन डू फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ना एक तो मैंने एनालिसिस ऑलरेडी बता दिया फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है सो वॉट एवर हुर फिजिक्स और केमिस्ट्री टीचर यू आर एसोसिएटेड विद उनको वो एनालिसिस दिखा दो एंड वहाँ से एक स्ट्रैटेजी बनवा लो बी एट यू स्कूल टीचर बी एट और यू नो अगर घर के आसपास कोई ट्यूशन टीचर है जिनसे जिनसे तुम पढ़ रहे हो या फिर कोचिंग सेंटर के टीचर हैं जो के वी पी वाई में uh, क, का नहीं पता उन, उन लोगों को सो जस्ट शो दम दैट एनालिसिस एंड जस्ट मेक अ स्ट्रेटेजी एंड एंड प्लान दैट स्ट्रेटजी आउट एंड अगेन वी हैव थ्री फोर मंथ्स अभी भी तीन महीने पढ़े हैं चार महीने पढ़े हैं अच्छा तैयारी का टाइम है एंड उसमें तुम फोड़ सकते हो कोई भी फोड़ सकता है अगर इवन इफ समन इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो दैट पर्सन ऑल्सो कैन यू नो क्रैक के वी पी वाई विद ग्रेट जील अगर वो बनाकर एंड पिछले इस साल का एनालिसिस देकर तैयारी करें इट चलो गाइस यहां पर गलती होगी गाइस यहां पर गलती होगी बता रहा हूं वार्निंग वार्न कर रहा हूं यहां पर गलती होने वाली है यहां पर गलती पक्के से होने वाली है डेफिनेटली यहां गलती होने वाली है पहले से बता रहा हूं

टोटल ऑफ फिफ्टीन फैक्टर्स है अभी हमने यह चीज थ्योरी में पढ़ी थी कि जितने फैक्टर्स होंगे एम एग्जैक्टली पंद्रह वैल्यूज ले सकता फॉर एग्जाम्पल एक फैक्टर क्या होगा इसका यह है इंटू सेवन टू एंडस वन ठीक है so, 1 144, एक 2 2 into, 144 so तो एक इसको वन इंटू वन फोर्टी फोर हैं टू इंटू वन फोर्टी फोर

आई वाले बहुत शैतान होते हैं बहुत शैतान होते हैं दे नो ऑल द पॉसिबल वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन गिव द आंसर रॉन्ग हर पॉसिबिलिटी पता है कि कहां कहां पर बच्चों से गलती होगी बिकॉज क्वेश्चन ही एक तो वही देंगे जहां पर उनको पता है कि गलती होगी जहां पर पता है यार गलती नहीं होगी वो तो क्वेश्चन क्यों देंगे बिकॉज उनको तो हटाना है कम बच्चे सेलेक्ट करने ठीक है सो जब भी कम बच्चे सेलेक्ट करने तो ऑब्वियसली मैं ऐसी चीजें देने की कोशिश करूंगा जहां पर मुझे पता है कि बच्चों से गलतियां होंगी ही होंगी सो दिस इज वन मिस्टेक विच लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू और तुमने भी की तुमने भी की तो बच्चे यहां पर ना एम और एन इंटीजर्स लिखा हुआ है इट इज नॉट गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स इंटीजर्स सो बोल सकता हूं कि अगर वन और वन फोर्टी फोर स्क्र एक पेयर है तो एक माइनस वन और माइनस वन फोर्टी फोर स्क्र भी पेयर होगा सो so हर पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेगेटिव पेयर भी होगा बिकॉज इंटीजर दिया हुआ ना पॉजिटिव इंटीज थोड़ा दिया हुआ है so सो अगर पॉजिटिव दिया होता तो आंसर पंद्रह होता यहां पर तो इंटीजर्स दिए हुए हैं So, can i say corresponding to every pair, there will be one negative pair. bas negative sign laga do So, total number of pairs will be 30 and not 15, guys. It will be 30. Did you all get this? Did you all get this? bola tha na positive? बोला था ना पक्के से गलती होगी, पक्के से गलती होगी। तो ये ध्यान रखना बचे। छोटी-छोटी चीजें जो कि JEE के अंदर, JEE Advanced के अंदर, even if we know the concept, हमें concept पता है, but फिर भी गलतियाँ है होती हैं इस तरह की। तो वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट वी नीड टू कीप ओपनिंग आर आर दिमाग अपना दिमाग खुले खुला रखना है सो दैट सो दैट कोई गलती ना हो गॉट इट एवरी वन यू ऑल गेट दिस तो अगर यहां पर मेरे बच्चों पॉजिटिव हुआ होता अगर मैं बोलता कि पॉजिटिव इंटीजर्स तो आंसर पंद्रह होता यहां पॉजिटिव नहीं दिया हुआ इंटीजर्स दिया हुआ सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी पेयर दे विल बी वन नेगेटिव पेयर जाओ जो उसको सेटिस्फाई करेगा गॉट इट चमका 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 तो ऐसी गलतियां यहां हो रही हैं वहां नहीं होनी चाहिए ठीक <laughs> है हलवे में शुगर ज्यादा हो गया ना ठीक तो exactly है तो एग्जैक्टली ये तो क्वेश्चंस ज्यादातर हलवे ही होते हैं उसके अंदर कभी मिर्च डाल देते हैं कभी शुगर डाल देते हैं कभी uh, सूजी बहुत ज्यादा डाल देते हैं बट बट तुम्हें खानी है इट चलो गॉडेड एवरी वन सुपर बच्चे देखो ना यार अभी मैंने एक ट्वेल्थ का एग्जाम्पल लिया था ट्वेल्थ के छह फैक्टर्स हैं कौन कौन से वन टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व अगर मैं बोलूं ट्वेल्व को कितने वेज में ए इंटू बी की फॉर्म में ले सकते हैं तो तुम्हारा आंसर होगा सर छः फॉर्म में अगर ए और बी पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल वन इंटू ट्वेल्व टू इंटू सिक्स थ्री इंटू फोर फोर इंटू थ्री सिक्स इंटू टू ट्वेल्व इंटू वन तो ट्वेल्व को ऐसे छह वेज में ले सकते हैं लिख दिया बट अगर मैं बोलूं ए और बी यहां पे तो मैं बोलूँ ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बट अगर मैं बोलूं ए और बी इंटीचर्स है तुम्हारा दिमाग चमक जाएगा कि सर ये तो हो ही है इसके अलावा सर एक और पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी? माइनस वन माइनस ट्वेल्व माइनस टू माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फोर माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस टू एंड माइनस ट्वेल्व माइनसिटिव नंबर के कॉरस्पोडिंग पेयर के कॉरसपॉन्डिंग नेगेटिव पेयर भी आएगा जिसका प्रोडक्ट ट्वेल्व होगा बिकॉज भी इन दिए हुए पॉजिटिव के बारे में कुछ नहीं दिया दोनों ही हो सकते हैं so, इस क्वेश्चन के अंदर इंटू टू आंसर हो जाएगा बारह आंसर हो जाएगा इट चलो चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस सो अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैं हमेशा सिंपल लगता हूं जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और तुमने करने हैं फोड़ने हैं धीरे धीरे आगे जाएंगे तो थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन आएंगे जहां पर थोड़ा सा दिमाग आएगा तो ये सारे के सारे अभी जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है सारे के सारे वन मार्कर क्वेश्चन है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सो टू टू मार्कर्स मार्कर्स और आने जाएंगे लास्ट के तीन चार क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन दो तीन क्वेश्चन गॉट it एवरी वन यस वाई एम एन 144 वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर कहां पर है भाई ये एम एन वन फोर्टी फोर ये दिया हुआ था ना बच्चे दिस वॉज द क्वेश्चन अच्छा यहाँ पर इसकी इसका जगह मैंने ये लिख दिया था ये मिसिंग था ना देर वॉज सम मिसिंग पार्ट सो एम बाई ट्वेल्व इज ट्वेल्व बाई तो एम एन एज वन फोर्टी फोर अरे वन फोर्टी फोर स्क्वायर बोल रहे हो ना सॉरी वन वन फोर्टी फोर होगा वन फोर्टी फोर होगा सॉरी ठीक है मैंने वन फोर्टी फोर माना दिस इज 12 स्क्वायर बेसिकली वन फोर्टी फोर नॉट वन फोर्टी फोर ठीक है बट समझ गए तुम समझ गए चलो नॉट वन फोर्टी फोर इट विल वन फोर्टी फोर ओनली यस वॉट इज योर जॉब सर यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नॉट आई एम आई यूज़ टू बॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली एम अ सिविल इंजीनियर इंजीनियरिंग मेरी सिविल की थी बट आई गॉट प्लेसड इन अ कंपनी कॉल ऑरिकल विच इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोडक्ट डिजाइनिंग कंपनी बेज आउट ऑफ यू एस एंड आई वर्क देर फॉर वन ईयर देन मुझे समझ में आ गया कि भई नहीं मुझे वो सब नहीं करना है मुझे वो फ्लैशी लाइफ नहीं चाहिए देन आई क्विट दैट जॉब एंड आई बीन टीचिंग फॉर द लास्ट ट्वेल्व ईयर्स नाउ फॉर आई टी जे इन ओलम्पियाड्स हाउ टू अप्लाई फॉर इंटरनेशनल यू कान्ट अप्लाई फॉर इंटरनेशनल ओलम्पियड्स यू हैव टू क्वालिफाई फॉर इंटरनेशनल ओलम्पियड्स जिसका पहला स्टेज प्री आर एम ओ होता है उसको क्वालीफाई करना होता है जो बच्चे क्वालीफाई करते हैं वो आर एम ओ देते हैं उसके बाद इमो होता है इन्मो से टोटल पूरे इंडिया से पैंतीस बच्चे सेलेक्ट करते हैं जिनका ट्रेनिंग होता है और फिर छः बच्चे उनमें सेलेक्ट होते हैं तो तुम नहीं अप्लाई कर सकते इंटरनेशनल ओलंपियड में तुम्हें तो सेलेक्ट किया जाता है इंडिया फिफ्टीन कैसे आए पंद्रह कहाँ पर आए भाई पंद्रह कहाँ पर लिखा मैंने वे डिड आई राइट फिफ्टीन

स so क्या होगा फोर प्लस वन इंटू टू प्लस वन टू प्लस वन सो पांच इंटू तीन ये पंद्रह तो so ये चीज याद कर लो अगर नहीं पता ये क्लास के अंदर के अंदर आता है तो अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली ये याद कर लो जब पढ़ा जाएगा तो तुम उसका प्रूफ भी कर लोगे ठीक है चलो यहां पर आते हैं बच्चे नंबर ऑफ डिस्टिंग प्राइम डिवाइडिंग दिस तो इसको कितने प्राइम फैक्टर्स डिवाइड कर रहे हैं लॉट ऑफ पीपल सिंह फाइव 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 पांच फैक्टोरियल कैन आई राइट दिसल ट्वेल्व फैक्टोरियल एंडीन इंटू ट्वेल्व फैक्टोरियल ठीक है बिकॉज so एक प्रॉपर्टी होती है n फैक्टोरियल की n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल दिस इज अ प्रॉपर्टी सो गैस जैसे ही इसको ये लिखा सो ट्वेल्व फैक्टोरियल हो गया कॉमन वन प्लस थर्टीन प्लस फोरटीन इंटू थर्टीन ट्वेल्थ फैक्टोरियल कॉमन ले लिया सो ट्वेल्थ फैक्टोरियल इंटू दिस इज फोर्टीन प्लस फोर्टीन इंटू थर्टीन तो अगर यहां पर ध्यान से देखो फोर्टीन कॉमन वन प्लस थर्टीन इज फोर्टीन तो ये चीज आ गई सो नंबर जो है ना वो एक्चुअली ये अब इसके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं सो ट्वेल्थ फैक्टर्स बहुत सिंपल है वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव

फाइव सेवन इलेवन आई थिंक पांच है पांच 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 नॉट सिक्स गाइज इट विल बी फाइव बी इटव बच्चे इट विल बी फाइव इज इट क्लियर टू वन थर्टीन विल नॉट थर्टीन कहां से आएगा बच्चा थर्टीन तो आएगा नहीं ना ओवरऑल ए नंबर है इसमें थर्टीन तो आया ही नहीं कहीं ट्वेल्थ फैक्टोरियल में वन से लेकर ट्वेल्थ तक का प्रोडक्ट फोर्टीन इंटू फोर्टीन सो थर्टीन तो कहीं आया नहीं तो देर विल बी एग्जैक्टली फाइव फैक्टर्स हाउ टू अप्लाई फॉर प्री आर एम ओ प्री आर एम ओ का बच्चा अभी डेट आया नहीं है

पूरा का पूरा एंड टू एंड करवाऊंगा डोंट वरी अबाउट इट गॉट इट एवरीवन डिड यू ऑल गेट दिस यस चलो चलो लेट अस डू दिस हल्का सा थोड़ा सा ट्रिकी है थोड़ा सा ट्रिकी है लेट्स सी इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस लेट्स सी इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस कैन वी चेंज द टाइम इन केवीपीवा क्रैश कोर्स नो बचे पद्मा ये बच्चे मुझसे कल भी किसी बच्चे ने पूछा था कैन वी चेंज द टाइम के वी का जो क्राश कोर्स है बच्चे वो ना मतलब वी डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दी टीचिंग क्वालिटी एंड देर आर सर्टिन टीचर्स इन वेदांतु जो कि के वी पी पिछले बहुत सारे सालों से पढ़ा रहे हैं और रैंक्स निकालते हैं सो देर नो इन एंड आउट इंटीग्रिटीज ऑफ ईच एंड एवरी थिंग रिगार्डिंग के वी पी वाई क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को निकाला है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट फाइव सिक्स ईयर्स दे नो ईच एंड एवरी थिंग उनको पता है कि किस चीज़ पर फोकस करना किस चीज़ पर फोकस नहीं करना तो ये टाइमिंग्स उन टीचर्स के हिसाब से रखे हुए हैं सो अगेन अगर टाइमिंग चेंज करेंगे तो टीचर को चेंज करना पड़ेगा एंड वी डोंट वांट दैट बिकॉज लास्ट ईयर हमने ऑसम awesome रिजल्ट निकाला था के वी पी वाई का एंड इस ईयर उस रिजल्ट को बेटर करना चाहते हैं वी वांट टू बेटर दैट रिजल्ट ठीक है तो ऑब्वियसली वो तभी हो पाएगा जब जिन टीचर्स के ने वो उस पर हेल्प किया था या लास्ट टू लास्ट ईयर ने उससे पहले भी हेल्प किया था जो ओवरऑल पीरियड ऑफ पाँच छः साल निकालते आए हैं रैंक्स उन टीचर्स को ही ये क्राश कोर्स ये ये वाला कोर्स लेना है एंड दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट तो ये टाइमिंग्स उन्हीं के हिसाब से हैं तो uh, लाइव अगर तुम बाई चांस अटेंड नहीं कर सकते उन टाइमिंग्स के पे तो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर uh, तुम डाल uh, तुम अटेंड कर सकते हो ऑब्वियसली बात है गॉड इट यस चलो फटाफट से गए फटाफट से एग्जैक्टली exactly. करवते प्रदेश ने तो यार दिल जीत लिया प्रदेश ने दिल जीत लिया बहुत औसम वेरी ऑसम वेरी 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 ऑसम अमेजिंग तो गए देखो यहां पर क्या दिया हुआ है ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी दिस इज ट्वेंटी नाइन तो ये बोल रहा है कि ऐसे कितने थ्री डिजिट नंबर्स होंगे नाउ इसमें दो चीजें हैं पहले तो ये चीज समझ नहीं आ रही भाई ये चीज क्या है ये चीज किस खेत की मूली है सो so गाय इसको ना दो तरीकों से तुम सोच सकते हो सो वन इज ऑब्जर्वेशन वन इज ऑब्जर्वेशन एंड वन इज एक्सपीरियंस ठीक है तो अगर ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉग है यू शुड बी एबल टू मेक आउट कि इसको फैक्टराइज किया जा सकता है नहीं तो एक्सपीरियंस है अगर तुमने बहुत सारे क्वेश्चन किए तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज कैसे खुलेगी तो मैं पहले ऑब्जर्वेशन देखता हूं ठीक है जिन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है यहां पर देखो बच्चे अगर मैं इन दोनों से कॉमन लेता हूं तो ए बी कॉमन सी प्लस वन डन तो सी प्लस वन मुझे लेके आना है सी प्लस वन कैसे आएगा अगर मैं इसको और इसको लेता हूं सो बी सी प्लस बी यहां पे बी कॉमन सी प्लस वन आ गया और कैसे आएगा यहां से ए कॉमन सी प्लस वन आ गया बचा सिर्फ सी तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर भी सी प्लस वन डाल दो। दोनों तरफ वन ऐड कर दो बेसिकली दोनों तरफ वन ऐड कर दो तो सी प्लस वन कॉमन आ चुका है और यहां पर धड़कने तेज हो चुकी हैं सबको लोगों की ठीक है सो तो यहां पर मजा आ जाएगा बिकॉज सी प्लस वन कॉमन आ चुका है तो बचा क्या ए बी प्लस बी प्लस ए प्लस वन इज इक्वल टू थर्टी सो सी प्लस वन इंटू ए कॉमन बी प्लस वन प्लस वन कॉमन ए सॉरी बी कॉमन ए प्लस वन बी कॉमन ए प्लस वन प्लस वन कॉमन ए प्लस वन तो यहां पे बचे क्या आ गया सी प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू ए प्लस वन इज इक्वल टू थर्टी सो दिस इज़ दिस इज़ ऑब्जर्वेशन और अगर एक्सपीरियंस है बच्चे तुम्हारा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यार ये चीज इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐसी चीज बनती है दिस इज वेरी सिमेट्रिक देख रहे हो ए बी सी है ए बी बी सी सी ए है फिर ए प्लस बी प्लस सी है तो वेरी सिमेट्रिक अगर कभी भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है ना दिस कैन ऑलवेज बी फैक्टराइज जस्ट रिमेंबर दिस कोई भी अच्छा सा बढ़िया सा सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है जस्ट रिमेंबर इन योर माइंड दैट दिस कैन ऑलवेज बी फैक्टराइज वो फैक्टराइजेशन तुम्हें एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा यार यही फैक्टर्स होंगे ए प्लस वन बी प्लस वन सी प्लस वन आर आर गोइंग टू बी द फैक्टर्स बिकॉज मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस और वन भी आएगा, आएगा पे नहीं है तो वन ऐड कर दिया so, ये चीज़ तो ये चीज बन गई एक अच्छा सी ए बी सी फॉर्म के जितने भी थ्री डिजिट नंबर बनेंगे तो इसको सेटिस्फाई करते हैं अब ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंट सी प्लस वन इज इक्वल टू थर्टी गाइस इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ए और बी और सी का वैल्यू है ना वो सिर्फ ये हो सकता है जीरो वन टू थ्री फोर 5, 6, 7, 8, ऐसा क्यों होगा ऐसा इसलिए होगा बिकॉज दिस इज अ थ्री डिजिट नंबर सो एक सिंगल डिजिट है बी बी एक सिंगल डिजिट है सी बी एक सिंगल डिजिट है सो ए बी सी कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम दिस सेट ओनली इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि ए प्लस वन बी प्लस वन एंड सी प्लस वन का वैल्यू या फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा होगा कि वन इंटू वन इंटू थर्टी यह पॉसिबल नहीं है बिकॉज अगर ये वन है तो सी प्लस वन अगर वन है तो सी का वैल्यू जीरो हो जाएगा सी का वैल्यू जीरो एक्सेप्टेबल ठीक है वैल्यू जीरो बी का वैल्यू जीरो बट ए का वैल्यू यहां से ट्वेंटी नाइन हो गया तो थ्री डिजिट नंबर तो बना ही नहीं ट्वेंटी जीरो so बच्चों तो दिस इज नॉट अलाउड ये चीज अलाउड नहीं है बिल्कुल अलाउड नहीं ठीक है तो ये चीज तो हो गई अब मुझे ये देखना है कि थर्टी को ऐसे कैसे ब्रेक किया जाए हाउ डू आई ब्रेक थर्टी इंटू थ्री नंबर सो दैट सो दैट

सो वन ऑफ द फैक्टर्स इज वन अगर एक फैक्टर वन है बचे तो बाकी दोनों का फैक्टर्स प्रोडक्ट थर्टी होगा तो एक तो वन इंटू थर्टी पॉसिबिलिटी है एक टू इंटू फिफ्टीन पॉसिबिलिटी इंटू टेन पॉसिबिलिटी है एक फाइव इंटू सिक्स पॉसिबिलिटी अच्छा ये हो नहीं सकती ये हो नहीं सकती बिकॉज कोई एक फैक्टर समथिंग प्लस वन अगर थर्टी है तो समथिंग ट्वेंटी नाइन हो जाएगा ये हो नहीं सकता समथिंग प्लस वन फिफ्टीन है तो समथिंग फोर्टीन हो जाएगा ये हो सकता है गैस वन थ्री टेन

पंद्रह होना चाहिए बिकॉज टू ऑलरेडी आ गया टू ऑलरेडी आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट 15 होना चाहिए guys. तो अगर टू थ्री फाइव है इसका मतलब कोई एक फैक्टर टू होगा कोई एक थ्री होगा कोई एक फाइव होगा मतलब ए बी और सी की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है इसके अंदर ए बी सी की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है इसके अंदर वन टू एंड फोर कोई एक नंबर वन होगा कोई एक टू होगा कोई एक फोर होगा तभी ए प्लस वन टू इंटू थ्री इंटू फाइव बनेंगे मानते हो सो ए बी और सी में से कोई एक नंबर वन कोई एक नंबर टू कोई एक नंबर फोर बोल सकता हूं कि इसके कितने थ्री डिजिट नंबर्स बनेंगे हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स विल बी फॉर्म अगर कोई एक नंबर वन है कोई एक नंबर टू है कोई एक नंबर फोर है सो दिस विल बी थ्री फैक्टोरियल मतलब कि ऐसे छे नंबर्स बनेंगे यहां से छ नंबर्स वन टू फोर से बनेंगे यहां देखते हैं अगर ए प्लस वन बी प्लस वन सी प्लस वन का वैल्यू का प्रोडक्ट थर्टी है तो नंबर ये होना चाहिए तो कोई एक नंबर जीरो होगा कोई एक नंबर फोर होगा कोई एक नंबर होगा। इससे कितने थ्री डिजिट क्लियरली बच्चे जीरो यहां पर नहीं आ सकता जीरो यहां नहीं आ सकता तो पहले प्लेस के पास पहले प्लेस के पास एग्जैक्टली exactly दो हैं, या या five, five आ गया इसके पास दो चार्जेज रहेंगे जीरो और फोर इसके पास एक तो ऐसे चार नंबर्स ही बनेंगे वैसे भी काउंट कर सकते हैं जीरो फोर फाइव से एक तो पांच जीरो तो चार बनेगा एक फाइव फोर जीरो बनेगा सिमिलरली एक फोर जीरो फाइव बनेगा एक फोर फिफ्टी बनेगा तो फोर और फाइव और जीरो से एग्जैक्टली चार नंबर बनने वाले एग्जैक्टली चार सिमिलरली वन थ्री टेन वन अगर थ्री और टेन है सो ए प्लस वन वन है बी प्लस वन थ्री है सी प्लस वन टेन है तो नंबर्स क्या क्या होंगे एक तो जीरो एक टू और एक नाइन ये तीन नंबर्स होंगे से इन तीन से भी एक्जैक्टली चार नंबर ही बनेंगे बिकॉज जीरो नंबर यहां पर जीरो नहीं आ सकता तो जीरो टू नाइन से भी एक्सैक्टली चार नंबर नंबर होंगे पॉसिबिलिटीज हल्का सा ट्रेकि और लंबा भी था लंबा इन द सेंस कि अगर ये चीज तुम्हें नहीं पता तो पहले तुम्हें ये चीज़ फाइंड करनी है। इसको फैक्टराइज करके यहां तक लिखना है उसके बाद दोबारा दिमाग लगेगा उसके बाद दोबारा दिमाग लगेगा डिड यू ऑल एंजॉय दिस क्वेश्चन ठीक है सो अगेन द ऑफ गिविंग यू दीज क्वेश्चन जो उन बच्चों को करने में बहुत मजा आएगा विच हु आर वेरी गुड विद नंबर्स जिनको नंबर से खेलना बहुत पसंद है नंबर्स के साथ डील करना बहुत पसंद है उनको पता है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है यहां पर रिस्ट्रिक्शन क्या दी ए कैनॉट टेक द वैल्यू जीरो सो so, वो उन बच्चों के लिए दीज आर वेरी 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 गुड क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और तुम्हारे सामने प्रूफ है इस सारे के सारे क्वेश्चन हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो कि केवीपी वाई के अंदर आए हुए हैं गॉट इट एवरी वन डिट यू ऑल गेट दिस ओ प्रश यू आर इन एन टी एस बैच एन आरोम बैच ऑल्सो ओके सुपर 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 गॉट इट एवरी वन यस चलो अमेजिंग आई होप दिस इज क्लियर गाइज इसको एक बार बाद में दोबारा से देख लेना उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना आई थिंक सेकेंड बार जब तुम देखोगे समझ में आ जाएगा चलो गाइज मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन विच इज दिस दिस इज द नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स एन सच दैट थ्री डिवाइड एन माइनस टू एंड फाइव डिवाइड एन माइनस थ्री थ्री एन माइनस टू को डिवाइड करता है एंड फाइव डिवाइड एंड माइनस थ्री ऐसे कितने टू डिजिट नंबर्स बनेंगे तो वेरी सिंपल क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हल्का सा तुम्हें नंबर ऑफ केसेस देखने पड़ेंगे दैट इज इट एंड गलती हो सकती है ठीक है इसमें भी गलती हो सकती है गलती हो सकती है इंग्रेडिएंट्स हैं गलती, है, गलती होने के ठीक है सिलेमेसिक्स होने के सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इग्रीडियंट इस क्वेश्चन के अंदर बनाए हुए हैं सो गलती हो सकती है सो ऑन वॉट टू फोकस जेई और के वी पी वाई बच्चे देखो जेई पे फोकस करोगे ना तो के वी पी वाई यू विल बी एबल टू क्लियर ऑटोमेटिकली ठीक है अगर जेई का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है सो के वी पी वाई का भी अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है ठीक है सो सो दीज टू थिंग्स आर नॉट वेरी इंडिपेंडेंट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ आर एम ओ जो मैथेमेटिक्स ओलम्पियड का सेकंड स्टेज होता है आर एम ओ या इनमो थर्ड स्टेज होता है आर एम ओ का तैयारी या जेई का तैयारी इज टोटली डिफरेंट इज इज क्वाइट डिफरेंट ठीक है चूंकि सिलेबस ही काफ़ी अलग हो जाता है But if we talk about KVPY, most of the things are aligned. KVPY essay is more, more on uh, logic. ठीक है कुछ कुछ चीजें टेंथ के भी आती हैं और इलेवंथ के जेई के अंदर भी कुछ कुछ चीजें टेंथ की आती हैं सो so, एक दो टॉपिक्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल नंबर थ्योरी है जो कि इलेवंथ में बिल्कुल भी नहीं है बट अगेन अगर तुम इसको कर भी रहे हो ना तो जेई का भी अल्टीमेटली प्रिपरेशन हो रहा है बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन जेई में भी आ सकते हैं जो पिछले से पिछला क्वेश्चन था फैक्टर्स uh, का वो जेई में भी आ, आया हुआ है नंबर ऑफ फैक्टर्स एम इन टू एन एज वन फोर्टी फोर या जेई के अंदर ये जेई के स्टैंडर्ड सवाल है कॉम्बिनेशन के तो नंबर थ्योरी भी इस तरह में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो जेई के अंदर पॉसिबिलिटी है आने की सो वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई यू आर ऑटोमेटिकली कवरिंग के वी पी वाई हल्की फुल्की थोड़ा सा और एनालिसिस करना पड़ता है के वी पी वाई के लिए अगर तुम्हें डेडिकेटेड तरीके से के वी पी की तैयारी करनी है तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम के वी वाई की तैयारी करोगे तो जेई का तैयारी रुक जाएगा वो भी पार्लरली चलेगा हरी बात तो जो बच्चे मैं कोर्स जो क्रैश कोर्स की हम बात कर रहे हैं या जो बच्चे यहाँ पर भी लेक्चर लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको के वी पी वाई ही तैयारी का तैयार कर रहा हूँ उनको मैं जेई का भी तैयार करवा रहा हूँ तो अल्टीमेटली उनके जेई की भी तैयारी हो रही है दोज आर अटेंडिंग दिस लेक्चर्स इधर ऐसे और एस एक्स और आई एसा ही दे आर ऑल्सो गेटिंग प्रिपेयर फॉर जेई सो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट थिंग्स ठीक है ओलंपियड का जो प्रिपरेशन होता है आरएम ओ का पर्टिकुलरली वो अलग होता है वो अलग होता है उसका सिलेबस अलग है बट इफ यू टॉक अब केवीपीवाई एस एस एक्स या फिर जो क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करेंगे ऐसा मत करना सोचना कि मैं तो वेदांतों के अंदर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ के वीपीवाई का तो अगर तुम के वीपीवाई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हारा जई का प्रिपरेशन भी सब कॉम्प्लीमेंट हो रहा है बच्चे इसके अंदर ठीक है, जेई का प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रहा है आ रही बात समझ हेल्पिंग यू इन के थ्री डिवाइड एन माइनस टू तो एन माइनस टू इज इक्वल टू थ्री ए एन माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव बी सो एन का वैल्यू क्या है थ्री ए प्लस टू एंड दिस इज फाइव बी प्लस थ्री थ्री ए प्लस टू फाइव बी प्लस थ्री ज दिस इज द इक्वेशन थ्री ए प्लस टू इज इक्वल टू फाइव बी प्लस थ्री या फिर इसको थोड़ा सा और बढ़िया करूं तो थ्री ए माइनस फाइव बी इज इक्वल टू वन वेर ए एंड बी आर इंटीजर्स ए एंड बी आर इंटीजर्स इस इक्वेशन को बच्चे बोलते हैं डाइफ एंड टाइम इक्वेशन डाइफ इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन है कि वेरिएबल्स दो हैं देर इज ओनली वन इक्वेशन देर आर टू वेरिएबल्स दिस इज कॉल्ड डायफेंटे इक्वेशन इसका एक स्टैंडर्ड टेक्निक होता है डायफेंटेन को सॉल्व करने का इफ यू नो दिस जो कि मैंने वी यू के अंदर ऑलरेडी बताया अगर तुम वेदांतु ओलम्पियड स्कूल का ओलम्पियड बैचेस के अंदर पार्ट हो तो अगेन ये तुम्हें पता होगा यू यूल नो हाउ टू सोल्व दिस एंड अगर नहीं पता तो क्या जल्दी से टेक्निक देख लो इसका तो क्या करना होता है इसके अंदर ना कोई भी एक छोटा सा सोल्यूशन फाइन कर लो एनी वन सोल्यूशन सो ए का वैल्यूड टू है तो बी का वैल्यू वन हो जाएगा बेसिकली ए इज टू बी इज वन इज इक्वल टू सैटिस्फाइंग दिस फाई तो कर रहा है इसके बाकी के सोल्यूशन अपने आप आते हैं कैसे यहां पर टू में ना ये वाला कोएफिशिएंट ऐड करता जाओ टू तो प्लस फाइव इज सेवन एंड वन प्लस थ्री इज फोर तो ये चीज भी इसको सेटिस्फाई करेगी चेक कर करके देख लो थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन माइनस फाइव इंटू फोर इज ट्वेंटी देखो वन है दोबारा फाइव एड कर दो यहां पे बारह और यहां पे तीन ऐड कर दो सेवन तो यहां पर इसका कोएफिशिएंट यहां पर इसका अगर माइनस है तो दोनों में ऐड करते रहो अगर प्लस है तो इसमें ऐड कर दो तो, इसमें कर दो तो, अपने आप पैटर्न बनता रहेगा सो ट्वेल्व एंड सेवनफाई दिस 17 एंड टेन विल दिस ट्वेंटी सेवन थर्टी टू थर्टी सेवन ऐसे चलता रहेगा तो इसी तरह से पैटर्न बन जाएगा दिस इज वॉट वी कॉल डाइफ टाइन इक्वेशन So lot, इसको में करना चाहते हो वेदांतो ऑल्पियर बच्चे इसका ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूँ और वो पब्लिक है, पुब्लिक है वो, तुम उसको देख सकते हो आराम से और, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं और क्या क्या चीजें होती है डायफनटाइन इक्वेशन की जिसको पढ़ सकते हैं और जेई के अंदर भी हेल्प करेगा हेल्प यू इन जेई डेफिनेटली यहां पर बच्चे अब अब आते हैं क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ गया तो दीज आर दीज आर द थिंग्स जो कि हमें हेल्प करेंगी आंसर uh, uh, निकालने में नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स एन सच दैट थ्री डिवाइड दिस तो एन एक टू डिजिट नंबर है एन का वैल्यू अगर हम देखें एन का वैल्यू है थ्री ए प्लस टू एन का वैल्यू है बचे थ्री ए प्लस टू सो एन इज थ्री ए प्लस टू एंड एन इज अ टू डिजिट नंबर सो बस यहां पे ए पे कंसनट्रेट करो तो थ्री ए प्लस टू अगर मैं ए टू रखता हूं तो एन का वैल्यू एन का वैल्यू इज गोइंग टू बी एट तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज एन इज अ टू डिजिट नंबर एन अगर थ्री रखता हूँ ए अगर थ्री रखता हूँ तो एन का वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एन विल बी थ्री ए प्लस टू ट्वेंटी वन प्लस टू ट्वेंटी थ्री तो दिस इज एक्सेप्टेबल तो ए सेवन इज एक्सेप्टेबल 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 अगला नंबर थर्टी टू आएगा एन की वैल्यू क्या होगी थ्री इन टू थर्टी टू प्लस वन थ्री प्लस टू सॉरी तो दिस इज नाइन्टी सिक्स प्लस टू नाइनटी एट एक्सेप्टेबल अगला जो नंबर होगा 37, थर्टी सेवन दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल ये एक्सेप्टेबल नहीं है थ्री इंटू थर्टी सेवन थ्री इंटू थर्टी सेवन प्लस टू इज नॉट अ टू डिजिट नंबर इट विल बी थ्री डिजिट नंबर तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी यहां से सारी चीजें एक्सेप्टेबल अच्छा। तो कितनी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है वन सॉरी नॉट वन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ओनली सिक्स ओनली सिक्स वैल्यूज ऑफ ए आर एक्सेप्टेबल बिकॉज इन सिक्स वैल्यूज से एन एक टू डिजिट नंबर बनने वाला है Is Is this this clear, clear? everyone? Yes or no in the chat box. Is this clear? Yeah, yeah. To those who know Chinese remainder theorem, CRT, जिनको आता है, जिनको भी CRT आता है, जिन्होंने क्लियर का प्रिपरेशन किया हुआ है तो CRT से भी बहुत आसानी से बन जाएगा This is a very, very, uh, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन CRT वैसे यार दो के अंदर लगाना नहीं चाहिए क्योंकि दो के अंदर तो इसी तरीके से बन जाता है तीन अगर है उसके अंदर CRT लगाओ ठीक है CRT नहीं तो नहीं तो CRT की बेइज्जती हो जाएगी सीआरटी इज अ वेरी good concept.

एक इंजीनियरिंग करके तुम बाद में किसी और अच्छे कॉलेज से और आ, आई से भी बेटर कॉलेज से या फिर बाहर जा सकते हो और दूसरी इंजीनियरिंग कर सकते हो एक टाइम पे एक ही इंजीनियरिंग अलाउड है आई के अंदर एंड ऑल्सो आई आई टी also, आ, आई की अगर हम बात करें तो देर आर सर्टन थिंग्स कॉल्ड इलेक्टिव अगर तुम्हें पता है आई के बारे में सो so इलेक्टिव होते हैं फॉर एग्जाम्पल आई वॉज़ अ सिविल इंजीनियर मैं सिविल इंजीनियरिंग करता था बट मुझे कंप्यूटर्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था बट रैंक इतना अच्छा नहीं आया था तो सिविल मिली तो बच्चे अब मैं वहां पे क्या किया तो वी गेट एन ऑप्शन हमें ऑप्शन मिलते हैं तो देर आर मिनिमम थ्री इलेक्टिव जो कि कंपलसरी होते हैं आई के अंदर तो तीन कोर्स तो करने होते हैं जो कि तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने ब्रांच के कोर्सेज कर सकते हो एक्स्ट्रा या फिर दूसरे ब्रांच के कोर्सेज कर सकते हो सो so, मैंने वो तीन इलेक्टिव बाहर की ब्रांचेस का कंप्यूटर की ब्रांचेस के कंप्यूटर्स uh, सीखा उन तीन ब्रांचेस के उन तीन कोर्सेज के अंदर सो दिस इज वॉट आई डेड अब तीन तो मिनिमम होते हैं उसके अलावा यू गेट अ चॉइस कि जिस भी सेमेस्टर के अंदर थोड़ा सा लाइट है उसके अंदर तुम एक्स्ट्रा कोर्सेस कर सकते हो सो दिस इज समथिंग दैट यू गेट इन आई आई टी तो आई के अंदर दैट इज वाई यू गेट अ होल सम होल सम एजुकेशन बिकॉज तुम्हारी मर्जी अगर तुमने किसी ब्रांच ली है और तुम्हारी ब्रांच जैसे मेरी तरह हुआ था आ, पीछे रैंक आया था तो ब्रांच मतलब कि मिली नहीं और करना आई ही था ठीक है सो दिस वॉज वोल टू मी कि बस आई ही करना है तो आई के अंदर एडमिशन ले लिया अब मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था या इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ किसी फॉर सम रीजन तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स में मेरेगा फर्स्ट ईयर के अंदर इंटरेस्ट बन चुका था सो दिस इज़ वॉट आई गॉट चांस जो चांस हम बोलते हैं चांस मौका मिलता है तो so, इलेक्टिव होते हैं सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इलेक्टिव स्टार्ट हो जाते हैं आई आई के अंदर ऑलमोस्ट सभी आई टी के अंदर इलेक्टिव होते हैं तो so, वहां पर तुम क्या कर सकते हो अपने ब्रांच के अलावा बाकी कोर्सेज चूज कर सकते हो एंड तीन इलेक्टिव तो कंपलसरी होते हैं आईआईटी का हर आईआईटी के अंदर उसके अलावा अगर तुम्हारे पास और टाइम है तुम लगते हो कि मैं आ, मुझे और पढ़ना है और इंटरेस्ट से पढ़ना है और अपने अपने प्रोफेसर से पढ़ना है तो उनके जो कोर्सेज हैं अलग से तुम चूज कर सकते हो किसी भी सेमेस्टर के अंदर सो दिस इज वो ऑफिशियली तरीके से करना होता है इलीगल तरीके से कुछ नहीं होता ऐसा नहीं कि किसी भी <laughs> क्लास के अंदर कंप्यूटर साइंस की क्लास है वहाँ पर जाके बैठ जाओ बिकॉज माहौल अच्छा लग रहा है वहाँ पे ठीक है तो ऐसा नहीं होता तो तुम्हें ऑफिशियल तरीके से सब कुछ करना पड़ता है दिस इज वॉट हैपन्स इन आई आई टी CRT क्या है CRT बच्चे इज चाइनीज रिमाइंडर थियोरम सी आर टी इज चाइनीज रिमाइंडर थियोरम ठीक है तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे दिस इज समथिंग दैट वी टेल टू आर प्री आर और आरएमओ स्टूडेंट्स एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन यू नो लर्निंग अबाउट सी आर टी इन वेदांत ओलंपियो के अंदर मैंने आर डिस्कस किया हुआ है आई हैव एक इनफैक्ट दो लेक्चर हैं एक तो लास्ट ईयर लिया था और एक इसी साल लिया थोड़ी देर पहले ही नंबर थ्योरी के अंदर तो उसको तुम देख सकते हो एंड अंडरस्टैंड कर सकते हो वॉट सी आर एंड किस तरीके से फायदा होता है ये हाउ टू चेंज द ब्रांच हाउ टू चेंज द ब्रांच बच्चे ब्रांच चेंज करने का तरीका एक ही है वहां पर जाके मेहनत करो अच्छी सी जी पे लेके आओ एंड ब्रांच चेंज करने का मौका मिल जाता है चलो फटाफट से एवरी वन लेडस डू दिस सिडर अट एन से लेकर से तीस तक एक से नंबर ऑफ वे इन विच वन कैन चूज थ्री डिस्टिंग नंबर तीन डिस्टिंग नंबर चूज करने फ्रॉम ए सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द चोजन नंबर इज डिविजल बाय नाइन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्यूट क्वेश्चन बहुत ही क्यूट क्वेश्चन है ठीक है बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में हाउ मेनी लेटर थर्टी टू एंड होगा ना बिल्कुल होगा अरे अरे अरे, अरे क्या कर दिया थर्टी टू एंडीन होगा ना बच्चे 32 19 होगा। इसको मिला के छे ना दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्सो अगर ए थर्टी टू है तो एन का वैल्यू इज थर्टी टू इन प्लस टू विच इज नाइनटी एट इट इज नंबर थर्टी सेवन नहीं होगा बिकॉज थर्टी सेवन से एन थ्री डिजिट नंबर बन रहा है सो so, थर्टी टू मिलाकर ही ये छह नंबर आ रहे हैं गॉट इट एवरी वन कौन बोल रहा था आकाश डिड यू ऑल गेट दिस चलो लेट अस डू दिस गाइस लेट अस सी लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यूर एबल टू क्रेज सर के वी पी वाई इज इजी बच्चे देखो किसी भी किसी भी एग्जाम को देने के लिए अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आसान हो जाता है अगर तुमने मेहनत नहीं की तो वही चीज़ मुश्किल हो जाती है अरे बात समझ में ठीक है तो बचपन में अगर तुम बैली फर्स्ट क्लास के अंदर थे सेकेंड क्लास के अंदर थे तो अगर मैं तुम्हें बोलता कि बच्चा बताओ फाइव इंटू ट्वेंटी थ्री कितना मुश्किल लगता था उस टाइम पे? सर फाइव इंटू ट्वेंटी थ्री मेरे को थ्री इंटू सिक्स आता था। वो पूछ लो फाइव इंटू ट्वेंटी थ्री कैसे बताएंगे और अभी मैं पूछूँ फाइव इंटू ट्वेंटी थ्री इज़ दैट इज़ वेरी ईजी सर so, अगर कोई चीज़ आती है तो ऑब्वियसली वो चीज़ ईजी बन जाती है जो चीज़ नहीं आती वो चीज़ मुश्किल हो जाती है जो ऐसे बच्चे जो डेडिकेटेड तरीके से पढ़ रहे हैं डिसिप्लिन तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्योंकि वो आसान है जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल है बहुत ऑब्वियस बात है ये कैसा सवाल है आई वॉन्ट टू एडमिशन इन आई आई एस सी कंग्रेचुलेशन्स हर्षिता बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा सपना है तुम्हारा इंडिया जीत गई यस yes, ईशान किशन तो है मुझे ना पहले अच्छा लगता था कल जो लास्ट पहला मैच खेला था ना उसने ईशान किशन ने व्हेन ही वाज हिटिंग 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 इन एवरी बॉल मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि यार यही मौका है इस हम बना लो कुछ ना कुछ, कुछ अदरवाइज तो कुछ नहीं मिलने वाला तो उसके बाद से मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गई उसको लेकर ठीक <laughs> है इज नॉट थिंकिंग अबाउट इंडिया बट ही इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ सो ही इज़ कीपिंग हिमसेल्फ ओवर टीम इंडिया दैट इज़ नॉट गुड बिकॉज अगर बाई चांस उसकी तरह सारे सोचने लग जाते हैं और सारे ही हिट करने लग जाते हैं तो इंडिया वो पहला मैच नहीं जीत पाता पहला ऑडियर नहीं जीत पाता तो बहुत सिंपल सी बात है सो ऑब्वियसली यू वेन एवर एज मेरा मेरा सिंपल सा मानना है द कंट्री इज ऑलवेज अबव योर सेल्फ दिस इज़ वॉट आई बिलीव इन ठीक है तो देश मेरा सबसे ऊपर है उसके बाद मैं आता हूँ या मेरी फैमिली आती है सो दिस इज़ वॉट आई बिलीव इन एंड दिस इज वॉट मोस्ट ऑफ फर्ट फॉलो मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स मोस्ट ऑफ़ द स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो फॉलो जब इंडिया के लिए कोई मेडल मेडल जीता ना बीट ओलंपिक्स ज्यादातर लोगों के ना आंसू निकल आते हैं पीपल क्राई बिकॉज देव डन दिस फॉर इंडिया एंड देन देव डन दिस फॉर दमसेल्व सो सो येस चलो बच्चे फटाफट फड़ से क्यूट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं वापस लेडर्स कम बैक टू द क्यूट क्वेश्चन सो ए है वन से लेकर थर्टी तीन नंबर चूज करने वी नीड टू चूज थ्री नंबर सच दैट सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द चूजन नंबर इज ऑलवेज डिविजल बाय नाइन प्रोडक्ट ऑफ द चोजन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय नाइन ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन कैसे करें के वी पी वाई के बच्चे देखो KVPY के वी पी वाई के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन अगेन जब मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा तो मैं बताऊंगा कि वॉट आर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू डू तो सिमिलैरिटी बी पी टी एम पी टी ये तीन चीजें बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए ठीक है अदरवाइज एंगल चेजिंग तो ये सब चीज़ें मैंने वेदांतो ओल्पिक स्कूल में डेडिकेट तरीके से पढ़ाई यहाँ भी पढ़ाऊंगा यहाँ भी प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा डोंट वरी इट जब हम ज्योट्री पाएंगे तब आई आई टेल यू अबाउट ज्योमेट्री अदरवाइज अगर तुम तो पूरा का पूरा कोर्स खरीद सकते हो वाला uh, क्रैश कोर्स तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली सब कुछ चीज़ें डिटेल में थ्योरीवाइज होंगी चलो गाइज यहाँ पर आते हैं वापस अब देखो गाइज नाइन से डिविजिबिलिटी नाइन से डिविजिबिलिटी तो यहाँ पर ना पहले तो देर आर सर्टन नंबर ऑफ द फॉर्म थ्री के कौन कौन से थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व 15, 18, 21, 24, 27 फोर 30. एंड फिर 3k के प्लस और 3k plus 2 की form के प्लस की फॉर्म के नंबर हैं बाकी के बाकी. तो बेसिकली ये सारे वो नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है तो ऐसे टोटल 20 नंबर्स हैं सो so 20 नंबर्स आर देयर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड देयर आर 10 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3. अब इसमें भी बार है इसमें भी अगर मुझे पता है कि एक भी नंबर ये ये या ये हो गया इन तीनों में से एक नंबर भी नाइन ट्वेंटी सेवन और एटीन हो गया तो मुझे बाकी के दो नंबर्स का फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है बिकॉज नाइन वाली तो पॉसिबिलिटी पूरी हो गई और अगर इनमें से कोई नंबर नहीं है अगर सिर्फ थ्री है अगर सिर्फ थ्री है तो मुझे एक और इंश्योर करना है कि एक और नंबर थ्री का डिविजिबल थ्री और ट्वेल्व होगा तब नाइन से डिविजिबल हो जाएगा बट सिर्फ थ्री और यहाँ पे अगर कोई नंबर से वन और फोर वन और फोर और टू और फाइव थ्री वन और फोर थ्री वन फोर विल नॉट बी डिविजिबल बाई नाइन तो अगर मैं थ्री का नंबर मल्टीपल ले रहा हूं तो यहां पर एक और थ्री का मल्टीपल लेना पड़ेगा और अगर नाइन का ले रहा हूं तो कोई चीज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो नाइन का चाहे एक लो चाहे दो लो चाहे तीन लो चाहे दोनों ले लो प्रोडक्ट विल बी डिविजिबल सो दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम का हल ना निकल नहीं रहा अरे बात समझ में तो क्या क्या पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है तीनों के तीनों नाइन से डिविजिबल हो तीनों के तीनों नाइन सेवन दो नाइन से डिविजिबल हो एक थ्री से डिविजिबल हो जाए दो नाइन से डिविजिबल हो एक ये वाला हो जाए एक नाइन से डिविजिबल हो एक थ्री से डिविजिबल हो जाए और एक ये वाला हो जाए एक नाइन से डिविजिबल हो एक और दो ये हो जाए दो थ्री से डिविजिबल हो थ्री एंड ट्वेल्व और एक ये वाला हो जाए तो यार इतनी सारी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं इतनी सारी पॉसिबिलिटी तीनों के तीनों नाइन से डिविजिबल दो नंबर नाइन से डिविजिबल एक थ्री से डिविजिबल दो नंबर नाइन से डिविजिबल एक नॉन थ्री एक नाइन से डिविजिबल एक थ्री एक नॉन थ्री से डिविजिबल एक नाइन से डिविजिबल और दो नॉन थ्री ठीक है दो थ्री से डिविजिबल एक नॉन थ्री तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज को ऐड करना तो इट इज वेरी डिफिकल्ट बहुत ही डिफिकल्ट डिफिकल्टास्क ये तो नहीं करेंगे सो दैट इज वॉट मेक्स दिस क्वेश्चन वेरी क्यूट ये चीज क्वेश्चन को बहुत ही क्यूट बना देती है गॉट इट अब नाउ अब ये चीज किस तरीके से की जाएगा जाए? इस तो नाइन से डिविजिबिलिटी के ना बहुत सारे फैक्टर्स बहुत सारे पॉसिबिलिटीज लिख रही है तो मैं उल्टा सोचता हूं कि कब कब नाइन से डिविजिबल नहीं होगा कब कब नाइन से जब पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा दिखे ना तो उल्टा सोचो कब कब नाइन से डिविजिबल नहीं होगा सो वेन विल दिस बी नॉट डिविजिबल बाय नाइन सो नॉट डिविजिबल बाय नाइन वाले केसेस सो so, एक केस तो क्या है कि तीनों के तीनों इस तरह के होंगे फोर सेवन टू तीनों के तीनों नॉट डिविजिबल बाय नाइन और थ्री तीनों के तीनों नंबर आए थ्री से डिविजिबल नाइन से डिविजिबल ऐसे बीस में से कोई भी तीन नंबर लो या फिर इनमें से कोई दो उठाओ फोर सेवन और एक थ्री का मल्टीपल सिर्फ थ्री का मल्टीपल नाइन का नहीं सिर्फ थ्री का मल्टीपल इसमें भी बायफर किया जा सकता है कि नाइन के मल्टीपल्स आर थ्री एंड थ्री के मल्टीपल्स नॉट डिविजिबल बाय नाइन दे आर सेवन नाइन के मल्टीपल्स आर थ्री And ऐसे थ्री के मल्टीपल जो कि नाइन से डिविजिबल नहीं है वो सेवन है तो दस को भी मैंने बायफिकट कर लिया ये बीस तो ऐसे है, जो है। so, say, guys, कि जो थ्री so, से डिविजिबल नहीं सो कैन एंट करना ज्यादा आसान है तो राधर मल्टीपल्स नाइन से डिविजल होगा लेट एस काउंट द तीन नंबर के कॉम्बिनेशन जो की नाइन से डिविजिबल नहीं है और टोटल में से माइनस कर दो सो गाइस टोटल कितना होगा टोटल 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 सो टोटल कितना है सो कैन एस से टोटल इज टोटल इज थर्टी सी थ्री तीस में से कोई भी तीन नंबर चूज कर लो सो दिस इज द टोटल टोटल ऑफ ऑल द थ्री पॉसिबिलिटीज जहां से तीन नंबर उठाने की पॉसिबिलिटीज आटी पॉसिबिलिटीज इज थर्टी सी थ्री इसमें से वो वाले केसेस हटा दो जब नंबर का प्रोडक्ट थ्री से डिविज नाइन से डिविजिबल नहीं होगा सो वन इज दिस मतलब इस सारे के सारे नंबर्स इज बीस में से आए सो ट्वेंटी सी थ्री प्लस इसमें से दो नंबर्स 22, और एक नंबर थ्री का मल्टीपल जो कि नाइन का मल्टीपल नहीं है सेवन सी वन सो दिस इज आंसर दिस इज आंसर इज दिस क्लियर एवरी वन इज दिस क्लियर फटाफट से बताऊ मुझे वी प्रो सब्सक्रिप्शन में केवीपी का कोर्स मिल नहीं रहा बच्चे मानस एक बार मैं तुम्हें अलग से मुझसे कांटेक्ट कर लो आई विल टेल यू द एग्जैक्ट आईडी मैं आईडी अलग से दे दूंगा तुम्हें और तुम वहां पे एनरोल कर लेना गॉट इड एवरी वन गेट दिस सो दैट इज हाउ यू नीड टू थिंक थिंग अगर हम पॉसिबिलिटीज बनाने लग गए तो इट विल इट विल बी अ लॉर्ड ऑफ हार्ड टास्क बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा केसेस बन जाएंगे और हो सकता है कि कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाए इस तरह की चीजों में ऐसा ही होता है सो so, अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है ना हमें उल्टा सोचना है कि टोटल में से उल्टा वाली चीज कि जब नाइन से डिविजिबल नहीं है वो वाले प्रोडक्ट्स देख लो वही दो केसेज ही बन रहे हैं तीनों के तीनों नंबर जब यहां से हो जाए यहां पे दो यहाँ से हो जाए एक थ्री का मल्टीपल हो नाइन का नहीं क्योंकि नाइन का हो जाएगा और नाइन से डिविजिबल हो जाएगा गॉट इट और अगर ये कैलकुलेट करोगे गाइज इफ कैलकुलेट दिस तो आंसर क्या है थर्टी सी थ्री माइनस ट्वेंटी सी थ्री सो थर्टी सी थ्री माइनस ट्वेंटी सी थ्री माइनस माइनस ट्वेंटी सी टू सेवन सी वन ट्वेंटी सी टू इंटू सेवन सी वन सो लेटेस्ट ट्राई टू कैलकुलेट दिस मैं हल्का साइड देता हूँ चीज एन सी थ्री को ना डायरेक्टली टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन सिक्स लिख सकते हो सो थर्टी इंटू ट्वेंटी नाइन इंटू ट्वेंटी एट अपॉन सिक्स माइनस ट्वेंटी इंटू नाइनटीन इंटू एटीन अपॉन सिक्स माइनस ट्वेंटी इंटू नाइनटीन अपॉन टू इंटू सेवन तो ये हो गया टेन ये हो गया तीन से ये हो गया पांच से अब भाई इतनी कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी इतनी कैलकुलेशन करके आंसर जो आएगा ना वही आ जाएगा वन फाइव नाइन जीरो ट दिस डिड यू ऑल गेट दिस डिड यू ऑल गेट दिस बच्चे यही एग्जाम में सोचना मुश्किल है इसलिए बिकॉज तुमने इस तरह के क्वेश्चन का एक्सपोजर नहीं लिया तो मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कैसे सोचना है तो ऐसा तब सोचोगे तुम मैंने यही तो बताया तुम्हें एग्जैक्टली तुम्हें आंसर थोड़ा बता रहा हूं अगर मुझे आंसर ही डिस्कस करना हो मैं सीधा इस लाइट पर जाता कि यार ये देख लो मैं तुम्हें एग्जैक्टली समझाने की कोशिश करूं तो प्लीज इसको समझो मैंने तुम्हें बताया बताया लॉजिक कि ऐसा कैसे कैसे सोचना सोचना है है कब दिमाग को चलेगा ऐसा जब मैंने केसेस काउंट करने की कोशिश की तो वो बहुत ज्यादा केसेस बन रहे थे तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया अपने आप आ जाना चाहिए कि सर यहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं हम उल्टा चलते हैं टोटल में से नेगेटिव वाले जब डिविजिबल नहीं होगा नाइन से डिविजिबल नहीं होगा वो वाले केसेस फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो ये चीज मैंने समझाने की कोशिश की है तो एग्जाम के अंदर भी अगर तुम्हारे किसी भी ऑब्वियसली बात है कि ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आने वाला इसके रिलेटेड हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए या इसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन आ जाए तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ कि केसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो टोटल में से तुम्हें उल्टा चलना सो so, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो क्यों आएगा बिकॉज तुमने ये लेक्चर देख लिया तो लेक्चर देखने का कुछ फायदा तो होगा ना तो यही तो फायदा है सीखना तो सीखो इस चीज को दिस इज वॉट आई एम से चलो चलो गाइस बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अमेजिंग क्वेश्चन दिस अमेजिंग क्वेश्चन हिंदी में प्यारा क्वेश्चन ठीक है मैथ्स वाले सावधान रहे मैथ्स एंथोजिया उनको प्यार हो जाएगा सच में बता रहा हूं आज इस क्वेश्चन से मैथमेटिक्स इंथोजिया को इस क्वेश्चन से प्यार होने वाला है वार्निंग अलर्ट है इस क्वेश्चन से प्यार होने वाला है मैथमेटिक्स इंथोजिया को ए बी सी डी फाइव डिजिट नंबर है सो ए बी सी डी ई एक फाइव डिजिट नंबर है इसको नाइन से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर ना उल्टा हो जाएगा तो क्वेश्चन है सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर मतलब मुझे निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सो दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ये नंबर नाइन का मल्टीपल है तो दिस हैज टू बी हैजू मल्टीपल ऑफ नाइन तो अगर ये नाइन का मल्टीपल है तो सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय डिबल सो नंबर इसने ऑप्शन है उसी हिसाब से दिए हुआ सेवन थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव क्या चला कहे भी पता है बच्चों को कि बच्चे इस तरह से सोचेंगे तो मुझे भी <laughs> मुझे भी वैसे ही करना है सो गेज वॉट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर हाँ सचिन बच्चे देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो नंबर थ्योरी uh, वो सॉरी पीएनसी का ही एक तरह से क्वेश्चन था मैंने यहां पे दे दिया तो दैट वॉज एक्चुअली ए क्वेश्चन ऑफ पी ओनली पीएनसी का ही क्वेश्चन है बट अगेन नंबर थ्योरी के आज हम ना नंबर थ्योरी को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं या कर रहे हैं वो क्वेश्चन किसी कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आते देर आर नो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व एज सच इन नंबर थ्योरी आज वाले सेशन के अंदर अगले सेशन के अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे उसके अगले में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट करेंगे जो कि तुम्हें पता होना चाहिए सो so, आज इज जस्ट प्लेइंग विद नंबर्स तो वो जो वाला क्वेश्चन था ना वो प्लेइंग विद नंबर्स था कि नाइन के मल्टीपल्स उससे प्ले कर रहे हो तुम तरीके से, एक तरीके से से एक सो दैट इज वाई वो पीएनसी की कैटेगरी में बिल्कुल आएगा जेई के अंदर वो पीएनसी की कैटेगरी में ही आता है बट यहां पर मैंने यहां पर भी दे दिया है जस्ट टू यू नो एक थोड़ा सा हो जाए फॉर फॉर वेरायटी ऑल दैट गायट एस सीट सी लेट एस सी वेव पर भी केवी पे क्रैश कोर्स पे आप नो no, नो no, नो no, रविल बचे मैं नहीं हूं बिकॉज मैंने इस साल आई एम नॉट डूइंग एनी पेड क्रैश कोर्स आई एम डूइंग ओनली माइक्रो कोर्सेस एंड यूट्यूब इस साल सो नेक्स्ट ईयर आई विल डेफिनेटली टेक बट दिस ईयर आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रो बैच ऑन वेदांत प्लेटफॉर्म नाउ गाइस हाउ डू यू डिस्कस दिसाफट से फटाफट से अच्छा यहां पर E और A के बारे में तुम्हें समझ में आ जाएगा E एन ए एंड ए तो डायरेक्टली तुम्हें दिखाई दे रहा होगा क्या बोलते हो ई एंड ए डायरेक्टली दिखाई दे रहा होगा यहां पर दिखाई दे रहा है यार ए का वैल्यू कैन ओनली बी ए का वैल्यू ए का वैल्यू एनी वन एनी वन एनी वन ए का वैल्यू बच्चे ए का वैल्यू वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए नाइन इंटू दिस तो बच्चे एक चीज दिमाग लगाओ हल्का सा अगर ए यहां पर टू भी होता है सो नाइन इंटू टून तो कहने से वो सिक्स नंबर बन जाएगा सो so ए का वैल्यू वैल्यूज टू बी वन ई का वैल्यू टू बी ये क्लियर है ए और वन तो क्लियर है सॉर्टेड है ए और ई इज सॉर्टेड ए का वैल्यू वन ही हो सकता है बिकॉज ए अगर टू भी हो गया ए अगर टू है तो लास्ट में ये डिजिट नंबर बन जाएगा लास्ट में इट विल बी डिजिट नंबर बिकॉज अगर एक टू ट्वेंटी थाउजेंड समू नाइन बी यू नो वन लैख एटी समथिंग हो ही नहीं सकता ये हो ही नहीं सकता सो हैज टू बी वन अगर ए वन है तो ई टू बी नाइन सो दिसन मुझे B, C, और D चेक करना है। is this clear? Yes? Yes, amazing, amazing. अब इसको ना थोड़ा सा और मॉड सॉरी हल्का सा और आसान करने का कोशिश करता हूं मैं कहना से ए बी सी डी ई इंटू नाइनस ए बी सी डी ई इंटू टेन माइनस वन ए बी सी डी ई जीरो माइनस ए बी सी डी ई तो इसको ना ऐसे ले जाते हैं ए बी सी डी ई जीरो माइनस ए बी सी डी ई एंड दिस इज ई डी सी बी ए बिकॉज ये सब्ट्रैक्शन करना थोड़ा सा आसान है हमारे लिए बिकॉज सब्ट्रैक्शन से हम ज्यादा वाकिफ हैं मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है तो दिस इज अ लिटिल ईजियर वे टू पुट इट बोल सकता हूँ ठीक है तो दिस इज अगेन एन आइडिया दैट शुड कम योर माइंड अगर ये आइडिया अभी तक नहीं आया अब ये आइडिया नोट कर लो एंड दिस आइडिया इज समथिंग दैट शुड कम इन योर माइंड जब तुम पेपर देख रहे हो सो ए बी सी डी ई इंटू टेन माइनस वन सो ए बी सी डी ई जीरो माइनस ए बी सी डी सब करके करके आएगा अब जीरो माइनस ई अच्छा ए और ई e सॉर्टेड है बिकॉज यहां पर यहां पर देखो दिस इज अस डिजिट नंबर यहां से एक और चीज दिखाई दे रही है सिक्स फाइव डिजिट नंबर है ये ऊपर वाला सिक्स डिजिट नंबर है यहां पर कुछ है नहीं तो ऑब्वियस ही बात है कि ये यह यहां पर कैरी ओवर जाएगा और यहां पर शून्य रह जाएगा तो ए हैज टू बी वन और ए अगर वन है दिस इज वन जीरो माइनस ई एंड वन तो ई e तो यहां पे भी एक पॉसिबिलिटी आ गई सेम चीज जो हमने यहां पर डिस्कस किया था वो यहां पे एक दूसरी तरीके से आ गई ए वन बी नाइन ए वन बी नाइन अब यहां पे वैल्यू सीख सकते हैं सो ए वन सो वन बी सी डी नाइन जीरो ए वन और बी नाइन ई नाइन को पुट कर दिया यहां पर वन बी सी डी नाइन इज इक्वल टू यहां पर नाइन आ जाएगा डी सी बी यहां पर वन आ गया अब सब्ट्रैक्शन देखो क्या है जीरो माइनस नाइन तो यहां से वन कैरी ओवर हुआ होगा तो यहां पर आठ बच गया सो एट माइनस डी इज इक्वल टू बी एक तो ये क्वेश्चन आ गई समझ लो यहां से नाइन वन कैरी ओवर हुआ होगा तो टेन माइनस नाइन इज वन यहां पर एट रह गया एट माइनस डी एंड विद बी सो दिस इज एंडस एंड विद बी सिमिलरली यहां पर ये वन कैरी ओवर हो गई तभी यहां पे जीरो आया वन कैरी ओवर हो गया तो बोल सकते हैं कि बी प्लस वन क्योंकि वन यहां पे मिला इसको माइनस वन इज इक्वल टू नाइन सो बी इज इक्वल टू नाइन कैन से दैट कैन से दैट और बी अगर नाइन है बी अगर नाइन है तो डी क्या होगा बच्चे फटाफट से बताओ मुझे बी इफ नाइन देन डी विल बी वॉट समझ में आया ये बड़ा देखो ध्यान से समझो एक दोबारा समझो दोबारा देखो मैं साइड हो रहा हूँ मैं साइड हो रहा हूँ समझो एक बार खुद से कोशिश करो समझने की कोशिश करो समझने की साइड हो रहा हूँ मैं खुद से दिमाग लगाने की कोशिश करो एक बार आई एम वेरी श्योर यूल बी एबल टू गेट इसको हटा देते हैं इसको हटा देते हैं इसको हटा देते हैं अब समझो अब समझो चलो अब बताओ मुझे. बताओ मुझे मुझे या ए बी सी डी जीरो माइनस ए बी सी डी डी सी बी ए तो यहां से वन ये वन था सॉरी ये क्या हो गया ये क्या हो गया यहां पर ए है सो ए इज वन बी इज नाइन दिस इज सॉर्टेड तो पहला डिजिट ए है एट गेट्स कैरी ओवर सो मल्टीप्लीकेशन से भी तुम कर सकते हो अदरवाइज यहां से से ही करते हैं यहां से बहुत ही सिंपल है सो ए इज वन बी इज नाइन सो यहां पे यह क्या हो रहा है अच्छा 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 ओके सो वन बी सी डी वन बी सी डी नाइन जीरो माइनस वन बी सी डी नाइन इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सो so, टेन में से नाइन गया वन तो so, यहां पे वन कैरी तो एट माइनस डी एंड विद बी सो दिस इज वन थिंग

सो डी का वैल्यू एट होगा अगर बी जीरो पे एंड है तो डी का वैल्यू एट हो गया सो so यहां पे डी का वैल्यू भी एट आ गया डी का वैल्यू भी एट आ गया सो so अब दोबारा देखते हैं क्या हो रहा है बी और डी की वैल्यू आ गई सो वन वन एट सॉरी वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो सी डी इज एट नाइन जीरो माइनस वन जीरो सी डी डी इज एट नाइन दिस इज दिस इज नाइन डी का वैल्यू एट है सी का वैल्यू सी है बी का वैल्यू जीरो है एंड दिस इज वन तो इस तरह का सब्ट्रैक्शन रह गया एंड सी इज द ओनली अनोन अब सी देखो कैसे निकालेंगे एक तो यहां पर टेन माइनस वन नाइन है तो टेन माइनस वन नाइन कर दिया ये माइनसो एट माइनस सी एंड विद्ड सी माइनस जीरो विद एट सी माइनस जीरो विद एट यहां पर कैरी ओवर हो सकता है कैरी ओवर हो सकता है तो C का वैल्यू एट नहीं होगा C हो सकता है कैरी ओवर होके ये एट दे दे टेन माइनस वन इज नाइन दिस इज सॉर्टेड ये सॉर्टेड है अगर सी में कोई कैरी ओवर नहीं दिया होगा तो सी का वैल्यू एट होगा अगर कैरी ओवर सी का वैल्यू नाइन होगा यहां पर भी देखो सी माइनस एट माइनस सी एंड सी एट माइनस सी का वैल्यू है ना बच्चे वो सी पे एंड कर रहा है तो उसका मतलब सी सी क्या क्या हो सकता है एट टू सी है तो सी क्या क्या हो सकता है सी का लास्ट डिजिट ऐसा होना चाहिए कि टू इंटू सी एंड विद एट सी कैन बी सी कैन बी फोर इंटू फोर इज एट एंड सी कैन ऑल्सो भी नाइन सी की दो पॉसिबिलिटीज तो फोर होगा या नाइन होगा हो फोर होगा या नाइन होगा बिकॉज अगर एट माइनस नाइन होगा तब भी यहां पे नाइन आएगा और 8 -4 तब भी यहां पे 4 तो यहां पे आएगा तो है. अगर सी फोर है बच्चा तो फोर माइनस जीरो नहीं देगा बट नाइन में से अगर वन कैरी ओवर हो गया तो एट माइनस एट जीरोगा सी हैज टू बी नाइन तो यहां से सी का वैल्यू नाइन ही होगा दिस इज श्योर So, जैसे ही ये आ गया तो नंबर मेरे पास आ गया वॉट इज द नंबर इट इज वन ए बी सी डी ई सो दिस इज द नंबर इसको अगर नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे यू कैन ऑलवेज चेक दिस इज उल्टा हो जाएगा नाइन एट नाइन जीरो वन हो जाएगा चेक करके चेक करके देख सकते हो डेड यू ऑल गेट दिस डेड यू ऑल गेट दिस डेड यू ऑल गेट दिस गाइस यू कैन ऑल्सो ओपन दिस देखो बच्चे इसको मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो इसको तो मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो क्योंकि हमने ये दो नंबर आइडेंटिफाई कर लिए थे सो नाइन नाइन इज एटी वन यहाँ पे एट कैरी ओवर होगा एंड सो ऑन ठीक है तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्शन वाला चीज हमेशा ईजी रहता है तो सब्ट्रेक्शन से आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन गॉड एट एवरी वन दिस वॉज अगेन अ सुपर क्वेश्चन ये भी के वी पी वाई के अंदर आया हुआ इनफैक्ट लास्ट ईयर ही आया था दिस वॉज द क्वेश्चन विच इज आज लास्ट ईयर ओनली आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन या <laughs> या yeah, yeah, बहुत झमेला हो गया आई नो बट अगेन ठंडे दिमाग से ठंडे दिमाग से इसको दोबारा से सोचना अगेन द आइडिया इज ए बी सी डी ई जीरो में से ए बी सी डी ई अगर निकालेंगे तो हमें उल्टा मिलेगा ई e, डी सी बी ए मिलेगा तो यहां से हमें अब ए बी सी डी आइडेंटिफाई करना रहे तो ए इज डेफिनेटली वन ई इज डेफिनेटली नाइन इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बिकॉज ए यहां पर वन अगर है तभी ये जीरो होगा तभी जीरो का होगा तब यहां पे वन आएगा सिक्स बन जाएगा सो ए हैज टू बी ए अगर है तो ई हैज टू बी अगर ए वन है जीरो में से यहां पे नाइन ही होगा तभी वन आएगा दिस इज सॉर्टेड अब मुझे बी और सी और डी निकालने सो बी माइनस ए बी माइनस ए एंड ई मतलब कि नाइन तो बी एंड विद जीरो तो बी का वाले जीरो हो गया बी का वाले जीरो तो उल्टा चलोगे अपने आप सी और डी भी आ जाएंगे आई होप दिस इज क्लियर गॉट इट गॉट इट गॉट इट यस <laughs> बच्चे भाग गए हां भाई मुझे लगता था कि मुझे लग रहा था कि डर डर लगेगा बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं एक दो तो और अच्छे क्वेश्चन अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन दिस इज अ बिट ऑन दिस सिंपलर साइड थोड़ा सा सिंपलर साइड पे है बट आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू डू दिस क्रैक दिस डिजिट्स ए एंड बी आर सच दैट द प्रोडक्ट फोर ए वन ये थ्री डिजिट नंबर है इंटू टू फाइव नाइन दिस इंटू दिस इज डिविजिबल बाय थर्टी सिक्स डिजिबल बाय थर्टी सिक्स इन दोनों का प्रोडक्ट छत्तीस से डिविजल है इन दोनों का प्रोडक्ट छत्तीस से डिविजिबल है कितना ऑर्डर्ड पेयर होगा ए बी की ऐसी कितनी प्रॉब्लम हो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे यस बच्चे देखो लास्ट प्रॉब्लम वॉज अब प्रॉब्लम जो कि दो हजार बीस में आया था तुम्हें Uh, उस तरह के प्रॉब्लम से अवगत करवाना बहुत जरूरी था इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो मेक यू अवेयर कि यार उस तरह के डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी आते हैं एंड अगेन वो ऑब्वियसली वो टू मार्कर uh, दो नंबरों में आया हुआ था बट uh, वो करना बहुत जरूरी था बिकॉज मैं अगर तुम्हें सभी सिंपल सिंपल चीज़ें बता दूं और तुम्हें सपने दिखाऊं और गुलाब के फूल दूं कि यार ये तो बहुत ही सिंपल है और ऐसे ऐसे हवा में करते करते सब कुछ हो जाएगा नहीं होने वाला सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जो कि सच में डिफ़िकल्ट होते हैं Uh, जई मेन्स से थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं एंड अगर इन एग्जामिनेशन को एस कर लो अगर तुम uh, इन पे ओवर पावर कर लो तो जेई के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इनफैक्ट जेई छोड़ो यार तुम सोचो तुमने के वी पी वै क्रैक कर लिया और अच्छा रैंक आ गया तुम्हारा ना दिमाग में एक तरह से ना टेंशन हट जाती है कि यार आगे का फ्यूचर ना कम से कम आई ए एस सी या आई ए एस सी आर वाले इंस्टीट्यूट्स में तो पक्की एडमिशन है तो सोचो कि अगर तुम इलेवेंथ क्लास के अंदर ही तुम के वी पी वै स्कॉलर बन रहे हो और तुमने दिमाग में एक टेंशन हट गई कि आई तो बॉस क्लियर है आई एस तो बॉस क्लियर है मुझे और कुछ करने का जरूरत नहीं है तो तुम्हें सोचो कि किस तरीके से तुम डेई की तरफ अच्छी तरह तैयारी करने में भागो अगर ऐसा होता है जितने भी मेरे स्टूडेंट्स इलेवेंथ क्लास में इलेवंथ क्लास में के वी पी वॉलर बने थे उनका ना ट्वेल्थ क्लास में आते ही जो कॉन्फिडेंस था ना अलग लेवल पे था दे वर अ डिफरेंट लेवल कि बॉस ये तो करना ही करना है और ये हो भी जाएगा और अल्टीमेटली इट इट एट इंक्रीज देयर इन एट बेटर देर जे एडवांस रैंक लाइक एनीथिंग सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसपे हम ध्यान नहीं देते बट अगर इन इन सफर में ये चीजें बढ़िया हो जाएं, अपनी तरफ आ जाएं, अपने फेवर में आ जाएं, तो जेई का जो तैयारी है या फिर नीट का तैयारी है बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है गॉट एट एवरी वन यस टू फाइव ओ यस ओ सॉरी 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 बेट इट इज टू फाइव बी इट इज टू फाइव बी एंड नॉट टू फाइव नाइन भावनाओं को समझ गए ना यार तुम कैसी बातें कर रहे हो ठीक है यस 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 बच्चे थैंक यू पदमा थैंक यू पदमा थैंक यू थैंक यू एवरी वन इट इज टू फाइव बी एंड नॉट टू फाइव नाइन सो बच्चे एक थर्टी नंबर है इन एक दूसरा थ्रटी नंबर है ये थर्टी सिक्स से डिविजिबल है थर्टी सिक्स से डिविजिबल है तो ऐसे कितने ए और बी पॉसिबल है हाउ मेनी सच ए एंड बी आर पॉसिबल लेट लेटस ट्राई टू फाइंड दिस लेट लेटर्स ट्राई टू फाइंड दिस या यार बच्चे देखो अर्पित लास्ट क्वेश्चन को करने के देर आर लॉर्ड ऑफ डिफरेंट मेथड्स मैंने तुम्हें एक तरीका बताया जो कि मुझे लगता था कि आसान था अगर तुम्हें लगता है कि उससे कोई बेटर तरीका है उससे करो यार जस्ट इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस ठीक है सो so, एक एक क्वेश्चन को करने के दर मल्टीपल मेथड्स प्लीज अंडरस्टैंड दैट एंड यू हैव टू फाइंड अगर तुम्हें मेरा वाला मेथड अच्छा नहीं लग रहा ट्राई टू फाइंड योर ओन मेथड ट्राई टू गेन कॉन्फिडेंस इन दैट मैथर दैट इज परफेक्टली फाइन ठीक है तो सेशन खत्म होने के बाद उस पर दोबारा एक बार वर्क करने की कोशिश करना चलो चलो यहां देखते हैं आते थर्टी सिक्स का मतलब फोर इंटू नाइन समझ रहे हो फोर इंटू नाइन इसका मतलब द प्रोडक्ट शुड बी डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय फोर एंड नाइन बोथ प्रोडक्ट जो है इन दोनों का फोर और नाइन दोनों से डिविजिबल मतलब ये थ्री डिजिट नंबर्स हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा अल्टीमेटली वो फोर और नाइन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए अब डिविजिबिलिटी बाय फोर चेक करते हैं लेट अस चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ फोर गाइस फोर से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं अब फोर से डिविजिबिलिटी का, का मतलब क्या है अब फोर से डिविजिबिलिटी तुम लोगों को पता है लास्ट के टू डिजिट्स लास्ट के टू डिजिट फोर का डिविजिबिलिटी लास्ट टू डिजिट्स लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय फोर सो मान लेते हैं कि फोर से डिविजिबल चेक करते हैं नाउ क्लियरली ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय फोर डू यू ऑल अग्री िस नंबर फोर ए वन इज नॉट डिविजिबल बाय फोर बिकॉज पीछे और नंबर आ गया भैया फोर से डिविजिबल कैसे हो सकता है तो दिस इज क्लियरली नॉट डिजिबल बाय फोर इफ यू टॉक अबाउट दिस तो अगर ये फोर से डिविजिबल नहीं है तो क्लियरली मुझे यहां पर कंपल्सरी फोर से डिविजल करना ही करना है सो इफ यू टॉक अबाउट टू फाइव बी कैन यू टेल मी गाइज बी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है इफ टू फाइव बी इज डिविजिबल बाय फोर वॉट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी कैन यू ऑल राइड इन द चार्ट बॉक्स कैन यू ऑल राइट ऑन द चैट बॉक्स कैन यू ऑल राइट ऑन द चैट बॉक्स वॉट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी इट कैन बी टू और सिक्स सो बी कैन टेक वैल्यूज गाइस बी की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं बी कैन टेक इधर टू और सिक्स एग्जैक्टली अमेजिंग सो बी की बच्चे यहां तो टू लेगा या सिक्स लेगा यही दो पॉसिबिलिटीज है दो ही पॉसिबिलिटीज बिकॉज तभी तभी ये लास्ट के दो डिजिट्स फोर से डिविजिबल होंगे 52, 56, और तो पॉसिबिलिटी नहीं है सो बी कैन टेक ओनली टू वैल्यूज बी अगर यहां तो टू है या बी सिक्स है दोनों चेक करते हैं बी अगर टू है बच्चे तो ये नंबर टू फिफ्टी टू हो गया ये नंबर टू फिफ्टी टू हो गया और ये नंबर फोर ए वन है अभी फोर ए वन है अब टू फिफ्टी टू देखो टू फिफ्टी टू इज ऑलरेडी डिविजिबल बाय फोर एंड ऑल्सो मेरे बच्चों दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय नाइन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फोर और नाइन दोनों से डिविजिबल हो गया तो हमारे सारे प्रॉब्लम आसान हो गई बिकॉज यही जो नंबर है टू फिफ्टी टू अकेला छत्तीस को संभाल लेगा बिकॉज टू फिफ्टी टू फोर को भी संभाल रहा है एंड नाइन को भी संभाल रहा है तो टू फिफ्टी टू इज एक्चुअली मल्टीपल ऑफ यू कैन वेरीफाई यू टू फिफ्टी टू इज एक्चुअली मल्टीपल ऑफ थर्टी सिक्स तो अगर ये थर्टी सिक्स को ऑलरेडी मल्टीपल है तो यहां पर बच्चे मैं बोल सकता हूं कि एक कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ने वाला एक कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ने वाला तो यहां पर ए कैंड टेक वैल्यूज फ्रॉम जीरो वन टू अप अपू नाइन सो ए कैन टेक टेन वैल्यूज, सो एक ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा एक तो ए को जीरो बी को टू तो जीरो टू वन टू 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 थ्री कॉमा टू फोर कॉमा टू फाइव कॉमा टू अप अपू नाइन कॉमा टू ये सारे के सारे दस पेयर तो ये हो गए अब आते हैं जब बी का वैल्यू सिक्स है बी का वैल्यू सिक्स है तो यहां पर क्या हो गया फोर ए वन इंटू टू फिफ्टी सिक्स फोर ए वन टू फिफ्टी सिक्स को तो संभाल लिया क्या इसने इसने को को संभाला 5 plus 6, 11 plus 8, इसने 9 को नहीं संभाल पाया मतलब 9 यहां से आएगा तो इसका मतलब this number has to be divisible by 9. तो यहां पे ऑलरेडी है तो फाइव प्लस ए शुड बी डिविजिबल बाय नाइन सो ए कैन ओनली टेक वैल्यू फोर ए का सिर्फ फोर वैल्यू हो सकता है सो बी अगर सिक्स है तो ए कैन ओनली टेक दिस वैल्यू गाइस फोर सो दिस इज ऑर्डर पेयर फोर कॉमर सिक्स टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे वॉट विल बी द टोटल ऑर्डर पेयर गाइज वॉट विल बी द टोटल ऑर्डर पेयर वॉट विल बी द टोटल ऑर्डर पेयर्स एवरी वन वॉट विल बी द टोटल ऑर्डर पेयर इट इज गोइंग टू बी इलेवन अमेजिंग सो दस ये और एक ये सो टोटल इज गोइंग टू बी इलेवन सो इलेवन इज द राइट आंसर इलेवन इज द राइट आंसर क्वल टू सिक्स है तो ए कैन ओनली टेक वन वैल्यू ए कैन ओनली टेक फाइव बिकॉज अगर बी सिक्स है तो यहां पे फोर का मल्टीपल तो बन गया ये बट नाइन का मल्टीपल नहीं बन पाया ये तो नाइन का मल्टीपल मल्टीपलो यहां से बनाना है तो नाइन का मल्टीपल अगर ये बनाना है तो ए कैन ओनली टेक वैल्यू फोर तभी ये नाइन से डिविजिबल होगा सो इलेवन इज दी आंसर तो कहीं इस तरह के क्वेश्चन गए सिंपल क्वेश्चन के क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू डू गॉट इट एवरी वन गॉट इट एवरी वन डि यू ऑल गेट दिस यस अमेजिंग अमेजिंग सो इलेवन इज राइट आंसर आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑल राइट गाइज सो लास्ट क्वेश्चन अगेन खतरनाक इस क्वेश्चन को मैं सच में खतरनाक बोलूंगा खतरनाक ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन सच में डराने वाला है ठीक है सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट बिकॉज ये भी 2017 में आया था इट वॉज अ ब्यूटीफुल खतरनाक एंड ऑल्सो ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम सो बोनो खतरनाक एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम ठीक है सो कंसिडर सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर्स एन हुज यूनिट डिजिट इज नॉन जीरो यूनिट डिजिट डिजिट आखिरी नॉन जीरो है इफ पिछले डिजिट को अगर खत्म कर दिया जाए पिछले डिजिट को खत्म कर दिया जाए द रिजल्टिंग नंबर डिवाइड्स एन समझ में आया समझ में आया दोबारा बताता हूं दोबारा बताता हूं यूनिट डिजिट अगर ये अगले लास्ट डिजिट को हटा दिया जाए तो बचे वाला जो नंबर है ना वो ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करता है ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करता है सो ओरिजिनल नंबर एन है ओरिजिनल नंबर लेट से मान लेते हैं uh, क्या बोले ए बी है वियर बी इज द यूनिट डिजिट वियर बी इज द यूनिट डिजिट एंड ए इज द रेस्ट रेस्ट ऑफ द नंबर रेस्ट ऑफ नंबर अब क्या बोल रहा है इसमें से बी को हटा दिया बी को हटा दिया तो ए बचेगा तो बोल रहा है ए डिवाइड ए बी खतर अगर मैं बी को हटा दू एंड बी इज नॉन जीरो बी इज नॉन जीरो अगर मैं बी को हटा दू तो ए बचेगा सो so ए जो है ना वो ए बी ओरिजिनल नंबर जो ए बी था उसको डिवाइड करेगा सो so ये क्वेश्चन है हमारा खतरनाक क्वेश्चन है एंड ऑल्सो ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम सो लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ठीक है तो पहले देखते हैं कि वन डिजिट नंबर कितने बनेंगे टू डिजिट नंबर कितने बनेंगे थ्री डिजिट नंबर कितने बनेंगे एंड आगे कितने बनेंगे पहले थ्री डिजिट नंबर पे आते हैं बड़े नंबर देखते हैं सो लेट द नंबर बी ऑफ द फॉर्म ए बी सी लेट द नंबर ए बी सी की फॉर्म है ए सिंगल डिजिट बी सिंगल डिजिट सी सिंगल डिजिट क्वेश्चन क्या है कि सी को हटा दिया था सी को हटा दो और सी जीरो नहीं है सी इज नॉट जीरो सी को हटा दो सो ए बी बचा ए बी जो है ना ओरिजिनल नंबर ए बी सी को डिवाइड कर रहा है अगर मैं सी को हटा दूं तो ए बी जो है वो एबीसी को डिवाइड कर रहा है सो so दिस इस फॉर्म के कितने नंबर होंगे अगर ए बी ए बी सी को डिवाइड कर रहा है एबीसी देखो बच्चे एबीसी कैन बी रिटन रिटर ठीक है सो अगर ये ए बी को डिवाइड कर रहा है तो यहां पर भी ए बी आ गया मतलब ये इंटीजर बनना चाहिए ए बी अपॉन ए बी शुड बी एन इंटीरियर तो यहां पर देखो क्या आ रहा है यहां पर देखो क्या आ रहा है दिस इजन प्लस सी अपॉन ए बी

थ्री डिजिट नंबर ऐसे बनने ही नहीं वाले हो ही नहीं सकता ऐसा थ्री डिजिट नंबर की लास्ट का डिजिट हटा दो बाकी के दो डिजिट नंबर थ्री डिजिट नंबर्स को डिवाइड करें सिमिलरली ऐसा ही कहना से द सेम हैपेंस विद डिजिट नंबर ए बी सी डी की फॉर्म का डी को हटा दो तो बोल रहे हैं कि ए बी सी डिवाइड ए बी सी डी ऐसे कितने नंबर बनेंगे सो अगर हम बोले ए बी सी डी दिस ए बी सी इन टेन प्लस डी सो अगर मैं इसको ए बी सी से डिवाइड करूं बिकॉज

वन डिजिट की अगर बात करें वन डिजिट वन डिजिट तो पॉसिबल वैसे ही नहीं है बिकॉज एक नंबर तो हटाना है नंबर हटाएंगे तो जीरो ही बचेगा पॉसिबल ही नहीं है तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल तो कोई भी और डिजिट नंबर पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर टू डिजिट नंबर एक्सेप्ट फॉर टू डिजिट नंबर देखते हैं नंबर ऑफ द फॉर्म ए बी नंबर ऑफ द फॉर्म ए बी सो ए बी एक नंबर है ए बी एक नंबर है बी को हटाया जाए तो ए रह जाएगा तो बोल रहे हैं कि ए ए बी को डिवाइड करता है तो यहां पर हम केसेस बनाएंगे यहां पर हम केसेस बनाएंगे डिजिट वाइज सो नंबर अगर ए बी की फॉर्म का है बी हटा दो बचा ए ए बी को डिवाइड करता है लेट अस फॉर्म द केसेस केस व्हेन इज इक्वल टू अच्छा बी का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता बी का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता ए का वैल्यू वन है तो बच्चे अगर ए का वैल्यू वन है बोल सकता हूं यार इसमें कुछ करना ही नहीं है A का वैल्यू वन है तो नंबर कैन बी इलेवन और 12 और फोर्टीन और फिफ्टीन और सिक्सटीन और सेवनटीन और एटीन और, और 19। बिकॉज यहां पर कुछ भी देख लो लास्ट हटाओगे बचेगा, तो वन को डिवाइड करता है 14 को डिवाइड नॉन नंबर तो ये बन चुके बेसिकली टू डिवाइड टू बी b एक सिंगल डिजिट नंबर है एंड b इज नॉट जीरो सो टू ट्वेंटी किसको डिवाइड करेगा b यहां पे क्या है के ना से यहां पर b कैन टेक ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट बिकॉज अगर ये लास्ट का डिजिट हटा दें टू बचेगा टू ट्वेंटी टू को डिवाइड कर रहा है टू ट्वेंटी फोर को डिवाइड कर रहा है टू ट्वेंटी सिक्स को डिवाइड कर रहा टू ट्वेंटी एट को डिवाइड कर रहा है टू के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे तो so, ये चार नंबर यहां पर आ गए चार नंबर यहां आ गए केस थ्री जब ए का वैल्यू थ्री है सो बेसिकली ए का वैल्यू थ्री है तो थ्री डिवाइड थ्री बी बी इज अल इज नंबर सो थ्री एक थर्टी समथिंग नंबर को डिवाइड करता है सो so बी का वैल्यू क्या क्या होगा तो वह बात है तो बी का वैल्यू थर्टी थ्री या थर्टी सिक्स या थर्टी नाइन होगा ये तीन पॉसिबिलिटीज है तो तीन पॉसिबिलिटीज ये हो गई ए का वैल्यू फोर है ए का वैल्यू फोर है तो फोर डिवाइड फोर्टी बी फोर बी सो बी कैन टेक इधर फोर्टी फोर और फोर्टी एट दो ही पॉसिबिलिटीज हैं ए का वैल्यू अगर फाइव है तो फाइव डिवाइड फाइव बी फाइव का वैल्यू फाइव बी बी जीरो हो नहीं सकता सो बी कैन ओनली टेक फाइव तो फिफ्टी फाइव इज ओनली पॉसिबिलिटी चेक करके देख लो फाइव हटा दो तो फाइव डिवाइड फिफ्टी फाइव और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सिमिलरली बोल सकता हूं कि ऐसा ही ए अगर सिक्स है तो सिक्स डिवाइड सिक्स बी तो बी कैन टेक ओनली सिक्सटी सिक्स तो सिक्सटी सिक्स इज द ओनली पॉसिबिलिटी सेवेंटी सेवन इज द ओनली पॉसिबिलिटी एट्टी एट एंड नाइन्टी नाइन इज द ओनली पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे फाइव के बाद सेम का सेम सेम एक एक, एक नंबर आएगा सिक्स का एक केस सेवन का के के, एक केस एक केस नाइन केस एक केस सो के. so, कितने केसेस हो गए तो फाइव का एक केस पांच छे सात आठ नौ ये पांच केसेस ये हो गए और बाकी ये सो नाइन प्लस फोर थर्टीन प्लस फोर सिक्सटीन प्लस टू एटीन प्लस पांच ट्वेंटी थ्री सो तेईस केसेस ये हो जाएंगे टू डिजिट नंबर्स के ट्वेंटी थ्री केसेज विल बी ऑफ टू डिजिट नंबर्स और हमने यह प्रूफ कर दिया

ज दिस क्लियर एवरी वन यस ऑन नो फटाफट से ऑन दी चार्टॉक्स एक्टली फॉर टू टी एट नंबर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने तो डरा रहे हो आपने डिमोटिवेट कर रहे हो ठीक है एक दो तो कमेंट्स भी आए हुए थे यहां पर सुपाइज देखो अगर मैं सिंपल क्वेश्चन दे दू ठीक है मैं वो कर सकता हूं तुम बताओ कि मैं करूं या ना करूं अगले क्लास के अंदर मैं सिर्फ सिंपल क्वेश्चन दूंगा किस टाइप के वन प्लस टू इज इकू थ्री टाइप के या फिर जो तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन सिर्फ वो क्वेश्चन दूंगा क्या तुम उससे खुश हो गए सिंपल क्वेश्चन विच है बट सिंपल क्वेश्चन है विल यू बी हैप्पी अबाउट दैट विल यू बी हैप्पी अबाउट दैट क्या तुम्हें खुशी होगी एक बच्चा बोल रहा होगी बहुत बढ़िया उसके लिए मैं अलग से सेशन रखना चाहूंगा गेमिंग लिए आई थिंक आई शुड सो सेक्सैक्टली दिस इज द मोटिव गाइस तो मुझे यहां पर किसी को कुछ नहीं करना प्लीज अंडरस्टैंड दैट मुझे यहाँ पे बैस तुम्हारी केवी पी क्लियर करवाना है दिस इज द दैट आई हैव आई डोंट वांट टू मेक यू हैप्पी आई विल बी हैप्पी बिकॉज आई नो वेन यू विल भी हैप्पी एंड यू विल भी हैप्पी वेन यू विल एक्चुअली क्लियर केवी पी अभी जो जो सिंपल क्वेश्चन करने से जो हैप्पीनेस मिल रही है ना वो टेम्पररी हैप्पीनेस है कि अगर मैं बोल बच्चे वन कितना तो बोलोगे 3 सब खुश हो गए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दट इज द टेम्पररी हैप्पीनेस वो दो सेकंड के बाद नहीं रहेगी बट अगर तुम केवी भी, भी वह क्लियर कर दोगे ना दैट इज दस दैट इज गोइंग टू गिव यू लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ फॉर लाइफ प्लीज अंडरस्टैंड दैट एंड माई टारगेट इज एग्जैक्टली दैट आई वॉन्ट टू बी हैप्पी वेन यू विल बी हैप्पी फॉर लाइफ एंड उस हैप्पीनेस के लिए अगर मैं uh, मुश्किल क्वेश्चन का सहारा दे रहा हूँ जस्ट टू जस्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि तुम्हें किस तरह की तैयारी करनी है किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं आई आई एम एम रेडी टू सेक्रीफाइस Uh, उन बच्चों की हैप्पीनेस जो बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे सिंपल क्वेश्चन लेके दो मुझे नहीं करना ठीक है सिंपल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा बिल्कुल करवाऊंगा एनडीए में सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल क्वेश्चन ही करवाऊंगा बस क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन उसमें आने ही नहीं है बट जिस एग्जाम के अंदर अच्छे क्वेश्चन आने हैं तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली बनता ना यार तुम्हें वो एक्सपोजर देना जिससे जिससे तुम कॉन्फिडेंस आगे जाके गेन कर पाओ या तुम्हें पता लगे कम से कम कि यार किस लेवल की मुझे तैयारी करनी है तो अगर मैं ये वाले क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊंगा ही नहीं तुम तैयारी भी नहीं कर पाओगे इन तरह के क्वेश्चन की आर यू गेटिंग दिस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली दिस इज वॉट एम ट्राइंग टू डू ठीक है सो प्लीज मुझे वो प्लीज मत लिखा करो कि सर थोड़े सिंपल क्वेश्चन दे दो बिकॉज अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन आते तो मैं जरूर देता ठीक है इंडिया का मैंने दो तीन सेशन लिए हरसन ने भी सेशन लिया उन्होंने वहां पर सिंपल क्वेश्चन करवाया मैंने भी सिंपल क्वेश्चन करवाए वो क्यों कराए बिकॉज भैया उस एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन ही आते थे तो हम उसमें मुश्किल करवा के क्या करते आ रही बात समझ में बट इस एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो मुझे डिफिकल्ट करवाने पड़ेंगे टू टू मेक यू अवेयर ऑफ द सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी अगर मैं तुम्हें रोजी पिक्चर दिखा दूंगा और बोलूंगा कि यार तुम्हारा के वी पे वह हो जाएगा क्योंकि तुम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कर पा रहे हो तुम वहां पर जाके खत्म हो जाओगे बिकॉज वहां पर जाके एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे यस एग्जैक्टली यस गुरुचरण ये यस यस अमेजिंग तो इसका आंसर इस ट्वेंटी थ्री सो इसका आंसर एक्चुअली डी था बच्चे लेस देन ट्वेंटी फाइव जो उसको परफेक्टली शूट करा सो दिस इज द ऑप्शन ये तो चलो मैंने डायरेक्टली बता दिया बट मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है uh, उस 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 क्वेश्चन के अंदर तो अगर वो एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया सो so, प्लीज इसको एक बार दोबारा से देखना ठीक है अमेजिंग सो गैस जाने से पहले एक सवाल है ये बहुत ही अच्छा सवाल है बहुत ही बहुत ही बढ़िया सवाल है सो दैट इज वाई आई एम गिविंग यू एज होमवर्क सो अमेजिंग क्वेश्चन दिस एंड इसमें बच्चे ट्राई टू तो स्पेंड टाइम ठीक है सो so, अगर 30 मिनट भी लगे ना तो वो भी लगाने की कोशिश करो सो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस विदिन फाइव मिनट्स टेन मिनट्स तीस मिनट तक लगाओ नंबर से खेलो सो दिस इज वॉट यू कॉल प्लेइंग विद विद नंबर्स नंबर्स प्ले सो क्वेश्चन क्या है, मैं वो बता देता हूं सो लेट एन बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीरियर सर वेन एवर अट नॉन जीरो डिजिट इज आफ्टर द लास्ट डिजिट ऑफ एन द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय सी मतलब कि क्या ये उल्टा है क्या है एक n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट व्हेनेवर अ नॉन जीरो डिजिट c इज रिटन सो एक नंबर है ab सपोज इसपे c लिख दिया c लिख दिया द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय c अगला जो नंबर है ना ये c से डिविजिबल होगा दिस इज डिविजिबल बाय c c डिवाइड्स abc तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी केवीपवाई में हुआ है 2019 में देख रहे हो तो पिछला वाला क्वेश्चन 2017 में आया था ये 2019 में तो सेम टाइप में सेम कॉन्सेप्ट के साथ वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं सो दिस इज योर होमवर्क गाइस ये तुम्हारा होमवर्क है पूरा का पूरा ये तुम्हें खुद से कंप्लीट करना है सो so अगेन इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया है कॉन्सेप्ट एक्जैक्टली exactly वैसे ही कॉन्सेप्ट याद करो uh, सीखो समझो एंड उसको अप्लाई करने की कोशिश करो आई एम वेरी श्योर यू बी एबल टू क्रैक दिस ये एंड